this audio has been taken from the citizens archive of pakistan's oral history project आज uh, 6 अप्रैल 2019 से और आज हम बैठे हुए हैं सिटीजन आता है वो पाकिस्तान के ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए अर्फा नजमा साहिबा के साथ इंटरव्यू पर हैं जवेरिया हाशमी और ऑडियो और टाइपिंग पर हैं फातिमा जी मैम हम लोग सिटीजन आता है वो पाकिस्तान से हैं तो हम लोग आप

पूरा नाम मैं जान सकती हूँ रिकॉर्ड के लिए आरिफा नजमा उर्फ नजमा आपकी तारीख पैदाइश मेरी तारीख पैदाइश फर्स्ट फर्स्ट जून 1944 फोर्टी आपकी जगह पैदाइश दिल्ली भैया क्या था वो जर्नलिस्ट भी थे और रियाजी और और मतलब कानून में भी माह थे स्कॉलर थे वो लॉ स्कॉलर हाँ सईदा बेगम नहीं हाउस वाइफ भी थी और वैसे राइटर भी शौकिया वो थी लिखती भी थी रे सालों में अपने जमाने में मतलब बहुत। और कितने भाई थे? हम लोग चार थे इसमें से मेरे एक भाई का तो 48 में डेथ हो गई थी और एक हम एक मेरी बहन है आते हैं बड़ी बहन का इंतकाल हो गया आरफा शमशा वो मुझसे छोटी आप, नहीं मैंने नहीं की अच्छा ठीक है अब हम पूछूंगी कि आप क्योंकि आपकी पैदाइश दिल्ली की है तो आप पाकिस्तान माइग्रेट किया आपने जी हाँ नाइनटीन फोर्टी सेवन तो आप मुझे थोड़ा सा प्लीज बताइएगा कि आपने नाइनटीन फोर्टी सेवन में जब आप आ, कितने साल की थी उस वक्त जब तो मैं वैसे एक्चुअली लिखा तो मैं तकरीबन सेवन इयर्स एट इयर्स की थी <laughs> तो आप लोग 1947 में बेबी में ही रह रहे थे कुछ अर्सा रहे उसके बाद लाहौर आ गए थे ठीक अच्छा। है तो आप लोग लाहौर आए हिजरत करके आए फिर वहाँ से फिर कराची आ गए लाहौर से भी में। आ, थोड़ा अपना कुछ एजुकेशन कि वहाँ मैं वो यहाँ पर आने के बाद मेरा जो दाखिला हुआ फोर्थ क्लास में हुआ और रिकॉर्ड हुआ। जी, जी। तो फोर्थ क्लास में हुआ था फिर उसके बाद मैंने दो स्कूल बदले से पहले सीएमएस में हुआ था फिर उसके बाद न्यू टाउन में मैं पढ़ा फिर एकदम से मैंने पंजाब गई मै, मैट्रिक का इम्तहान इम्तहान जो है न पंजाब से दिया मैंने हाँ हाँ फिर उसके बाद बस बदकिस्मती है कि मेरी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी नहीं रही रह सकी रह रह मैट्रिक के बाद लेकिन मेरे वालिद ने मेरी जो बे तालीम थी तो मैंने जो भी मैंने पढ़ा लिखा वो वालिद ने मुझे पढ़ाया जितने सब्जेक्ट्स थे वो थे और अरबी फ़ारसी सब थोड़ी बहुत अब जितना भी इल्म मैंने हासिल किया है वो स्कूल और उसके नहीं है बल्कि वालिद के दिए हुए तालीम है मेरी तो आप मुझे बता सकती हैं मैट्रिक आपने कब किया? 58 में किया मैंने। और आप कराची, का कराची फिर फौरन ही आ गए थे 48 ही में आ गए थे ना हम लोग बस चंद महीने रहे थे लाहौर में मेरे ख्याल में वो भी इतना ज़्यादा वर्षा मुझे याद नहीं लेकिन आ गए थे मेरी बड़ी बहन यहाँ आई हुई थी पहले से तो बस उनके पास फिर हम लोग आके कयाम किया हमने आके अब मैं आपसे एक फॉर्मल बातों शुरू करती हूँ जो हम लोग रिकॉर्ड भी करें थोड़ा सा पहले चलते हैं आपके पार्टीशन की स्टोरी की तरफ के आप आ, इंडिया में पहली बड़ी दिल्ली में आप लोग रहते थे तो वे बहुत पुरानी बातें वैसे ही जो <laughs> याद पूरी बातें दिल्ली की मुझे इतनी ज़्यादा लेकिन इतना याद है कि हम लोग रहते थे जहाँ हमारा घर था वो तो वहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ा था क्राइसिस शुरू हो गए तो हमें शिफ्ट करके हम आए ऐसी जगह पे जहाँ पे मुसलमानों का इलाक़ा था क्योंकि तो वहाँ पे वो फसाद शुरू हो गए थे हमारे बिल्कुल करीबी हकीम सईद सहीद, सहीद का घर था बिल्कुल तो उन लोगों ने वो, वो भी शिफ्ट हुए वहाँ से लेकिन हमारे अब्बा की जो लाइब्रेरी थी जिसमें तकरीबन कई एक लाख के करीब किताबें थीं वो नज़र आतिश हो गई थी लेकिन बज भी गई थी जो एक गैर मुस्लिम ने कहीं जाके इधर बिधर करके बादल बज गई थी जो मेरे वाल यहाँ लेकर आए अपनी किताबों को तो बादल ये कुछ याददाश्त है कि वो किताबों का सिलसिला था फिर उसके बाद ये कि हम लोग कुछ दिन उनके यहाँ रहे डॉक्टर थे हमारी अम्मी के इनको मेरी अम्मी को उन्होंने बेटी बनाया हुआ था उनके बेटे थे वो भी डॉक्टर थे वो निकाल के हमको वहाँ से क्राइसिस में से लाए थे बच्चे फिर उसके बाद बस थोड़े दिन मारे फिर कराची वे लाहौर आ गए कराची आ गए लेकिन ये क्राइसिस थे वो जहन में कि एक खौफ सा वो था नारे लग रहे हैं वो लग रहा है जो इलाका हमने छोड़ा था वो बहुत ख़तरनाक था किस तरह के, किस तरह के होते थे यही हिंदू मुस्लिम फसाद थी आगे आगे लगाई वो तो मैं कह रही हूँ ना लाइब्रेरी में मेरे अब्बा की वो हमारे शिफ्ट होने के बाद लगी तो उसने जल्दी से मेरे वालिद को ख़बर की किसी ने कि भाई वो आग लग गई है लेकिन मैंने जाके रोका है कुछ पैसों पर वो रजामंद हुआ है आदमी तो जो है वो आपकी मंगवा लें लेकिन वो जगह जगह टीचर बिचर भी हो गई कुछ उठा के ले गए कुछ ऐसे जगहों से मिली बहरहाल कुछ सलेक्शन कलेक्शन जो था वो हमारे साथ भी यहाँ आ गया कराची में भी वो जो था। हाँ, तो वो। आपके वाले जैसे बताया, थे या कुछ जी, जी, जी हाँ, तो बहुत मशहूर खानदान से था उनका ताल्लुक वो आपका आपका या आपका या घर का माहौल कैसा हुआ करता था मेरे घर का माहौल तो बहुत है? कम अव्वल तो अफराध नहीं थे ज़्यादा बड़ी बहन की शादी हो गई थी भाई की नौजवानी में कर दी थी शादी क्योंकि वो इसमें आपके काद अज़म के नवी जमात से वो काद अजम की उसमें जो लड़कों के जैसे होती है ना इस्प्रिट वो ऐसी स्प्रिट थी उनकी कि नौजवानी में उनका उनकी शादी कर दी गई कि अटेंशन जैसे डाइवर्ट हो जाए इनकी लेकिन वो नहीं हो सकी नतीजा ये निकला कि सैतालीस में उनको गिरफ़्तार किया गया जेल में रखा गया तशद्द किया गया बेतहाशा उन पर क्योंकि वो बहुत जोशीले थे और नज़में पढ़ना ये करना वो करना उनके उनका भैया इरफानल्ला नाम था तो बस शिबली उनकी उर्फियत थी तो वो चीज़ उन्होंने ऐसी वो हुई कि काद अजम का वो आखिर में उनको यहाँ अब्बा ने भिजवाया बड़ी मुश्किल से इजाज़त ही नहीं मिल रही थी वहीं के बेचारे गैर मुस्लिम ही लोगों ने कहा कि आप इनको एक दिन में निकाल दें वरना इनकी जान भी जा सकती है और वो यही हुआ कि जब यहाँ आए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये तो मतलब मुश्किल से ज़िंदा रह पाएंगे अब इनके दिमाग ग्यारह सितम्बर को काद अजम की डेथ हुई वो उठे और वो एकदम से गिरे अब ब्रेन हेमरेज हो गया उनको 22 तो बाईस साल बाईस साल की उम्र थी हाँ ना वो ना है।, है उसके बाद अट्ठारह सितंबर को उनकी डेथ हो गई तो इकलौते एक, थे, थे मेरी वाल वालिद और वालदा की बारह मेरे वालिद दिल्ली में थे उनको भी बड़ी मुश्किल से यहाँ भेजा गया क्योंकि एकदम उस जमाने में आना था लेकिन सारे जो अबा के हलका अहबाप था वो गैर मुस्लिम सिख थे हिंदू थे उन्होंने क्वेश्चन का नहीं हुई तो हमारा बेटा है शिबली तो और इसको निकालना है यहाँ से जिस तरह भी हो तो वो पाकिस्तानी पे एक तरह से क़ुरबान उनकी वो हो गई उस जमाने में बड़े अखबार ने लिखा भी था उनके इंतकाल के बाद लेकिन वो भी हमारे यहाँ तल्फ हो गया वो वो हमारे यहाँ रहा नहीं वो वह उस पर नवाब सिद्दीक अली ख़ान साहब ने लिखा था कि शिबली कौम का बेटा था मेरे भाई के लिए मुझे कि आपके जैसे किया पार्ट वो में थे उस जमाने में नेशनल गार्ड हुआ करता था तो वो उसमें शामिल हो गए और फिर उनको चूंकि आवाज़ अच्छी थी और कुछ लोगों ने नज़् उनको ऐसी जज्बाती किस्म की दे दी थी तो वो सरगर्म वो हो गए नतीजा ये कि बारह अव्वल को जो जुलूस निकला या वो निकला तो उनमें सबके आगे आगे उनको तो उनकी सरगर्मियों की वजह से उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया गया अरेस्ट कर लिया गया उनको और फिर उन पर जो भी तशद्द हुए वो तो पता चल गया कि बहुत ज़्यादा तशद किया उनको बस उस ज़माने में इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं थी बहरहाल वो बिल्कुल ऐसा तकरीबन नीम बचपना कहना चाहिए वो लेकिन ये था कि जब सबको देखती थी ना तो फिर मुझे ये एहसास होता था कि मैंने कहा कितना बड़ा वो था कि एक ही बेटा और वो उनका एकदम वो हुआ उनका वो ग्यारह सितंबर को उनको ये हुआ हैदराबाद में थे कि एकदम से खबर आई कायद आजम की तो बस वो जैसे पलंग से बीमार तो थे वो तो पहले डॉक्टरों ने कह ही दिया था लेकिन डायरेक्ट वालदा से और बहन से नहीं कहा था बहनों ही से कह दिया था डॉक्टरों ने कि ज़्यादा अच्छे क्योंकि इन पर जो चीज़ भी इनके की है जेल में तो वो दिमाग पर ऐसा हुआ तो बहरहाल कराची में आके मेरे भाई ले आए उनको खालसा भाई डॉक्टर थे वो लेकर आए फ़ौन सिविल हॉस्पिटल में तो मेरे वालद भी आ गए वहाँ से

तो वो इंडिया का यही याद है कि बस हम लोग रह रहे हैं फिर एकदम से पता चला कि अब आपको शिफ्ट करना है यहाँ से ये याद कि क्योंकि ये ख़तरात हैं कहीं कहीं दूसरी जगह आगे लगने की खबरें आ रही थी कि वहाँ आग लग गई वहाँ आग लग गई तो एक खौफ सा था तो मेरे मामू थे वो तो वो डॉक्टर थे वो जिस इलाके में रहते थे वो मुस्लिम्स का इलाक़ा था तो वो रातों रात हम लोगों को बिल्कुल हम ऐसे ही मतलब जैसे निकलते हैं घबरा के घर से ऐसी मेरी वालदा और हम लोगों को हाथ पकड़ के बिठाया यही हुआ सुबह पता चला कि हमारी अब्बा की लाइब्रेरी में आग आग लगा दी उन्होंने लोगों ने तो वो एक ऐसा सदमा भी था मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा इसका तो यानी उनके मुझसे ये निकला था कि अगर मेरी औलाद में से किसी को कुछ हो जाता तो मुझे इतना ही रंज होता जितना अपनी किताबों का रंज हुआ ये कीमती किताबें थी बहुत ज़्यादा बस उसके बाद हम लोग थोड़ा अर्सा रहे उनके यहाँ और फिर लाहौर आ गए फोर्टी एट में लाहौर आ गए लाहौर में चंद महीने रहे फिर हमेशा के लिए कराची आ गए तो आप अभी मुझे बता रही थी कि आपके जो घर में क्योंकि वाल, वाले जो वो जर्नलिस्ट तो तो किताबें लिखना और ये सब तो उनको जैसे पता चला कि भाई पाकिस्तान बनने के में ही है, तो नहीं, नहीं, नहीं कोई बिल्कुल ही मेरे वाले अगेंस्ट थे टोटली अब मैं आपको बताऊं क्योंकि उनके जमाने में उनका हल्का अहबाब बिल्कुल हजरत ख्वाजा सन निजामी मुला वाह जो वहाँ की बहुत ही महजिज़ और ऐसी थी हस्तियाँ थीत ख़्वाजा से निज़ामी की मिल्ला वायदी की तो उनका हर खै बिल्कुल यकन मुख्तलिफ था मैं बताऊँ तो उन्होंने इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ली थी दादा मेरे वालद ने इनको वो नहीं किया था लेकिन उस वक्त का जोश नौजवानों का जो था तो मेरे वाले मेरे भाई ने बिल्कुल वो नहीं किया उसको कि वो अपना द अजम से बेतहाशा वो तो चाहत और मोहब्बत थी उन्हें किसी जान की सबने कहा कि जान खतरे में है तुम्हारे बेटे की अब्बा ने समझाया उन्होंने कोई कान नहीं धरे उस पर वो लगे रहे जलसों में जुलूस तो आपके भाई जो थे वो मुस्लिम लीग की तरफ हाँ वो थे तो में हाँ तो वो तो पूरे मतलब पाकिस्तान जो भी तारीख थी पाकिस्तान बनने की उसमें उसके सरगर्म समझे हुए फर्द थे एक और नौजवानी थी बिल्कुल समझ ली तो आपने मुझे बताया था कि वो नेशनल गार्ड में भी हाँ वो नवी जवान भी तो हो गए थे ना फिर उसके बाद में उन्होंने मैट्रिक किया तो वो वो तो परवानी चढ़ता रहा जो उनके सियासत का पौधा था जहन में तो वो तो बहुत मोहब्बत जो थी पाकिस्तान बनने से मोहब्बत थी असल में जो थी कि एक जज्बा था कि पाकिस्तान बन जाए बस उस ज़माने के नौजवानों का था ही जो भी था कि बस बन जाए पाकिस्तान जैसा और हमारा अपना एक मुल्क हो तो वही तहरीक थी समझ ली यही थी जो आके फिर उसने ये हुआ कि वो भूल जाए अगर ज़िंदा रहे तो, तो शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं यहाँ के लिए वगैरह उम्र नहीं वफा नहीं की उनकी और आपने हमें जैसे ये बताया था कि उन्होंने इतना पार्ट लिया उसमें जी जी तो, गिरफ्तार भी हुए गिरफ्तार किए वही तो वो असल में वो गिरफ्तार हुए और और खाना पहुंचाना भी मुश्किल था ये था कुछ ऐसी परेशानियाँ वो वो तो एक किताब है अलग है वो लिख वो मैं आपको वो दूँगी सर उस जमाने की सरदार देवान सिंह ने ना मजमून जो अब मेरे अब्बा के इंतकाल पे लिखा है ना उसने पूरी दा, दास्तान शिबली भाई के लिखी है जो है कि किस तरीके से उनको उन्होंने साथ रहते थे जब खाना पहुँचाया जाता था शिबली भाई को तो किस कुमार से गिरफ्तार किया गया जाम मस्जिद के जलसे में अगेंस्ट यानी जो भी हुकूमत थी अंग्रेजों की थी किसके की थी वो तो जज्बाती नज़्म पढ़ी थी तो उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया था हम उनको जेल यहां जेल भेज दिया गया और जेल में जो तशद्दद था उसका जैसे शाख्ताना जाए भूखता फिर बाद में बीमार रहने लगे थे वो फिर यहाँ पर ग्यारह सितम्बर को कायदे अजम का हुआ अट्ठारह सितम्बर को उनका हुआ एक हफ्ता सिविल हॉस्पिटल में वो रहे तो आप कभी वहाँ पे उनके साथ जलसों में कभी नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। जलसे वगैरह में मुझे असल में शौक़ में बताऊँ छोटी सी थी जब से म्यूज़िक का मेरे वालद के साथ जाया करती थी कवालियों वग़ैरह में हज़रत खाजा चंदी के यहाँ जा जाना होता था वो था तो और घर में भी अब्बा को भी हमारे बड़ा म्यूज़िक का वो था वो अब उस ज़माने के मेरे में आजाद ख्याल में सबसे ज़्यादा आज़ाद ख्याल आदमी थे उन्होंने तो फिर वो म्यूज़िक पर ज़्यादा मेरी तोज्जो थी पॉलि, पॉलिटिक्स की तो उम्र ही नहीं थी वो कि वो मैं करती तो बस वो ज़्यादा इतना वो नहीं रहा मेरे जहन थी के आप जैसे नहीं पाकिस्तान सरगर्मियों के खिलाफ होगा इनका वो जमाने के दूरंदेश लोगों में थे समझाया लोगो ने की ये जान से खेल रहा है शिवली जो है आपका बेटा लेकिन वो वो नौजवानी थी भाई और जज्बा था एक सही मानो में मोहब्बत थी बस

उम्र नहीं थी कि ज़्यादा उसका असर लिया जाता मैं कह रही हूँ ना बस ये था एक खौफ सा होता था कि कहीं यहाँ ना आ जाए कोई यहाँ ना वो बस ये था तो वो शूर नहीं था कि ये पता कि उसकी अहमियत का एहसास नहीं था ये सब क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है ये तो आपने जैसे माइग्रेट किया पाकिस्तान तो आपकी पूरी हम लोग लाहौर नहीं लाहौर में लाहौर तक तो हमारे एक फौज में थे या क्या था वो मुझे नहीं याद है मेरे भाभी के भाई थे समी भाई उनके उन्होंने फ़ौरन टिकट ऐसे अरेंज करवाए कि हम लाहौर बायर आ गए बायर आए लाहौर लाहौर से फिर भाई है तो फिर तो फिर पाकिस्तान बना हुआ था वहाँ से ट्रेन में आए हम लोग तो आप लोग जब तो वहाँ से आप निकले तो आप वहाँ से लाहौर के लिए कौन से हवाई अड्डे से दिल्ली के ही हवाई अड्डे से निकले हाँ दिल्ली के ही हवाई अड्डे दे, दिल्ली के ही हवाई अड्डे तो उसमें वो जो खैर मुस्लिम थे उनकी बहुत सपोर्ट थी अब्बा को सारे तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आने में भी सब तो में फिर लाहौर आए तो मेरे चाचा थे एक वो भी जर्नलिस्ट थे अनवर हाशमी साहब उनकी फैमिली थी वहाँ तो वहाँ रहे फिर उसके बाद कराची आ गए फिर यहाँ पे यहाँ मेरी बड़ी बहन का गार्डन ईस्ट में घर था तो वहाँ पे हमारा काम हो गया आके तो अब जब जैसे ही पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुस्लिम आपस में आपने जैसे अभी जिक्र करके कि बहुत सपोर्ट भी करते हैं हाँ तो बहुत सपोर्ट किया बहुत या, या, हर चीज़ निगे वो असल यही अब भी है वहाँ पर इंडिया में इन इंतहा पसंदी बढ़ गई थी एकदम ये सारी चीज़ें तो पसंद पसंदी हमेशा गलती तरफ आदमी को ले जाती है बस वो था लेकिन ये था कि बहुत नुकसान उठाए लोगों ने बहुत ज़्यादा लेकिन अल्लाह बहरल ने वहाँ से तो ज़िंदा सबको निकाल लिया था आप कुछ याद कर सकती हैं कि आपका जहाज़ में कैसा सफ़र था तो नहीं तो दर्थी ये दर्थी ये नहीं याद जहाज का सफ़र नहीं याद ना ट्रेन का याद है इतना बस ये सफ़र नहीं याद मुझे सफ़र नहीं याद बस वहाँ की तो मुझे ना कुछ याद आते हैं खौफ और उसकी जो थी और वो जब सब भागने लगे तो एक मेरे, मेरा मेरा एक भी वाकया लोगों ने कहा कि मैं ग्राफुल रिकॉर्ड्स का डिब्बा था ना तो लोगों को तो चीज़ें हो रही थी ना मैंने जल्दी से जाके वो रिकॉर्ड का डिब्बा उठाया तो सबने इतना झुंझलाट थी कि सबको ये ना इसने अपना रिकॉर्डों का डिब्बा उठाया है वहाँ से तो ये वो ये जो होती है ना वो उसमें इतना वो नहीं था बाद में जब वो हुआ तो उसके बाद फिर वक्त ही नहीं मिल सका मुताले का या इसका जैसे बाकायदा वक्त ये सारी चीज़ें मेरी बहन ने संभाली थी आरफा शमसा ने आप लोग लाहौर आए तो यहाँ पे आपको कैसा मोल लगा पाए लाहौर में गयासा? तो बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था लाहौर में अच्छे लोग थे वो जहाँ ठहरे थे, थे।, तो किन पास थे मेरी चा... वो थे अखबार दुनिया निकलता था ना उसके एडिटर थे जिनको अब्बा ने सुपुर्द किया था अब्बा निकालते थे दीन दुनिया तो अब्बा ने वो अनवर हाशमी साहब को जब वो करने लगे तो उनके उनको दे दिया था वो अखबार तो वो निकलता रहा बाद में भी निकलता रहा वो बल्कि छः सात साल पहले तक शायद निकलता रहा वो फिर वो अनवर चाचा की फ़ैमिली वहाँ थी तो उसने हमको बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल किया वो किया उन्होंने फिर कराची भिजवा दिया हमें कराची में तो मेरी अपनी सगी बहन थी बड़ी जो शादीशुदा थी तो उनके पास रहे हम के तो लाहौर में आप जब उन दिनों रही तो आपको कुछ याद है कि वहाँ पे जैसे माइग्रेंट्स आते थे क्योंकि ट्रेनें तो इस तरह से आती हैं कि बहुत नहीं तो ये ये सुनते थे कि कुछ लोगों ने बहुत वो कर रखा है मतलब महाजरीन के लिए कुछ लोगों ने बहुत इंतज़ाम किए हुए थे कि जो आए उनको खिल खाने के पीने के क्योंकि वो तो बाद लोग तो बिल्कुल ही जिनका उनका तो कोई भी नहीं था तो उनके लिए बहुत इंतजाम थे वहाँ कुछ जो थे यानी समझ लीजिए कि अमीर लोग थे या तो उन लोगों ने यह सियासतदान थे उस ज़माने के मुस्लिम लीग के लाहौर में तो बहुत थे ना भाई पंजाब तो मतलब उनका तो सारे लोगों ने बहुत कैंप कैंप करवाए थे वहाँ पर ये मुझे ये मैंने सुना था कि भाई कैंप लगे हुए हैं खाना पीना जा रहा है बहुत सारे जितने थे कैंपों में पूरा इंतज़ाम उनके खाने के सोने के सब बहरहाल उस ज़माने के लिहाज से मैं कह रही हूँ चंद मेरे ख़्याल में एक दो महीने तो रहे लाहौर में तो वहाँ का माहौल था और कराची आए तो यहाँ का तो यार क्योंकि ये तो एक वो समझ लें कि कॉस्टम सिटी रहा है ना शुरू से और जिस इलाके में थे हम के का इलाका था वो सेंट लॉरेंस के सामने ही मेरी बहन का घर था वहीं पे मेरे भाई भाई की तदसिन व तफसिन सब वहीं पर हुई उन्हीं के बहन के घर में तो तो फिर कुछ इतना नहीं चला थोड़े इंतकाल हुआ वो हुआ फिर उसके बाद दाखिला हुआ तो जब आप कराची आए आपको कैसा लगा, हाँ कराची में तो, तो काफ़ी रिश्तेदार भी थे ना हमारे वो भी थे बहरहाल ज़्यादा ऐसा तो शोक का ही माहौल रहा एक लौती मेरी बहन को बहुत सख्त बीमार सी हो गई थी ये भाई बहन ऊपर तले के बहन भाई थे मेरे भाई और मेरी बहन आरफा बिश्रा जो बड़ी बहन थी मेरी वो भी लिखा करती थी अपने ज़माने में राइटर थी वो भी तो वो बस उसके बाद तो बहुत कराची में फिर वक्त गुजरता रहा बस तो आपको कैसा लगा कराची कराची बहुत, कराच बहुत, कराच बहुत 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 है मैंने इतना वो था कि हम मैं असल में तालीम के लिए मुझे काफ़ी महीने अपने मामूजान बहन के यहाँ रुकना पड़ा तो वो भी करीब पारसी कॉलोनी में उनका बंगला था तो वो वहाँ से हम लोग भागते हुए आ जाते थे अपनी बहन के यहाँ गार्डन ईस्ट में यानी इतना वो कोई वो नहीं था कि बहुत ही कराची का तो मैं तस्वुर करती हूँ तो यकीन भी नहीं आता कि मेरे लड़कपन में जो कराची था वो तो मैं यकीन ही नहीं आता कि मैं कराची में हूँ तो कैसा था बहुत, बहुत साफ सुथरा और इतफ़ाक इलाके भी वो हमारे थे यानी कोई वो नहीं था जैसे खारा दर हो या वो हो या जो पुराने इलाकों में नहीं तो जो रिश्तेदार थे वो भी गर्रीस्ट में थे और वो पारसी कॉलोनी में वो थे रिश्तेदार थे हमारे तो वो तो आपको अगर कुछ याद हो क्योंकि आप 1947 में आए फिर 14 अगस्त जब पाकिस्तान की हुई लाइक like, uh, 47 के बाद जो जब पाकिस्तान बना फिर हाँ। उसके बाद 14 अगस्त की कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुई हाँ जो हाँ। बारे में नहीं, वो उस जमाने की सेलिब्रेशन इतनी उसके बाद से जो होती रही और अब तक होती रही हैं वो तो जब रेडियो पाकिस्तान में जाने लगी तो जब ज्यादा अहमियत का एहसास हुआ क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम होते थे मिलिटरानी होते थे तब मुझे ज़्यादा इसका एहसास हुआ रेडियो पाकिस्तान की वजह से जो चौदह अगस्त और अब तक उन्होंने भूले ही नहीं दिए लोगों ने मुझे <laughs> क्योंकि हर चौदह अगस्त को इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे ये के क्योंकि रेडियो से मेरा ताल्लुक़ था मेरा तो फ़ौर ही तो रेडियो से भी ताल्लुक़ हो गया था ना तो वो लिहाजा वो चौदह अगस्त को मिली नगमे ये सब रिकॉर्ड होते थे तो बहुत अच्छा लगता था जो कराची से हाँ 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 तो कराची में, में सब पूरा तो कराची अच्छा। सिर्फ मैट्रिक मैंने लाहौर से किया था हाँ जाकर प्राइवेट किया था ना क्योंकि रेडियो की वजह से इतनी वो नहीं वो कर पाती थी ना मैं अपने रेडियो किस उम्र में बा, बा, रेडियो फिफ्टी टू अच्छे खासी बारह तेरह साल की थी मैं वजह अच्छा। और आपके वहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग होते थे रेडियो असल में मुझे जो लेके गए थे ना मैं बताऊँ एक्चुअली तो जो डायरेक्टर जनरल थे ना नज़ुल्फ़ार अली बुखारी तो वो अब्बा के डेली से सेफ़ा में थे तो ऐसे उनके दफ्तर अब्बा अक्सर अब्बा के साथ में अब्बा मुझे ले जाते थे तो वो हाँ तो वो अब्बा जो ले जाते थे तो वो मुझे इस तरीक़े से मैं उनके साथ होती थी तो बुखारी साहब से ऐसी खान का ये क्या करती है अब ने कहा पढ़ती है ये ये पढ़ती है अबा ने कहा कि ये पढ़ती है तो कहने लगे अच्छा पढ़ती है। तो है इसके तो अलावा आपने क्या कहने लगे कि इसको गाने का शौक़ है तो बुखारी साहब ने कहा अच्छा सुनाओ कुछ तो अबा ने मंजूम मुसदस से हाली बल्कि मुझे हिफी कराई हुई थी बचपन से ऐसी चीज़ें बहुत पढ़ाई थी अबा ने तो मुसदस हाली के कुछ बंद अबा ने बुखारी साहब को सुनवाए तो बुखारी साहब कहने के अरे इसको फ़ौर रेडियो स्टेशन में ले जाऊँगा तब तो मैंने घर में आके अम्मा से ठसके तो मेरी वालदा ये मुखालफत की कहने लगे अच्छा ये रेडियो पर जाएगी कहानी अब मैंने कहा रहने दे मुझे इसका शौक़ पूरा करने बनाइए बहुत एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए रेडियो पर तो फिर वो बुखारी साहब अपने साथ फिर इब्तः में बुखारी साहब की ज़ेर निगरानी काफ़ी प्रोग्राम मैंने किए उन्होंने गज़लें मुझसे खुद यानी उस जमाने में वो मशहूर भी थे रेडियो पर हर चीज़ में दखल जरूर देते थे जाकर तो वो तो उन्होंने प्रोग्राम करवाया एक प्रोग्राम सुनी हुई धुने होता था जो रेडियो फिल्मी गानों को अपने शायरी में करके और वो रिब्रॉडकास्ट वो होता था सुनी हुई धुनु के न सैद में करते थे वो भी मकबूल तरीन रेडियो का प्रोग्राम था अब तो खैर लोग पुरानी बात है बहुत ज़्यादा तो समली फिफ्टी टू की बात मैं कर रही हूँ ये कि वो सुनी हुई धुने प्रोग्राम होता था अब बुखारी साहब ने कुछ जो पुराने ज़माने ग़ुलाम अब्बास की कहानी थी आनंदी उसको उन्होंने गनाइए की शक्ल में किया तो उसमें मुझे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो एक गाना था उसमें वो कलकत्ते की एक आर्टिस्ट को लेकर आए जब वो कलकत्ते में स्टेशन डायरेक्टर थे बुखारी साहब या तो डायरेक्टर जनरल थे ना तो वहाँ की कोई बहुत ही बेचारी उम्र खातून को लाए वो धूरी बेगम तो उन्होंने मेरे साथ रिकॉर्डिंग करवाई तो आनंदी में एक वो है कि एक फ़कीर ज़ई फ़कीर फ़कीरनी और उसकी बच्ची वो गाना गा रहे वो मुझसे गवाया बखारी साहब वो गाना गवाया मुझसे और फारसी की गजलें गवाई जो अबा ने रटवा के भेजते थे यानी तलफुज उसका और उर्दू की पंजाबी तक उन्होंने मुझे मुझसे गवाया बखारी साहब ने फिर उसके बाद फिर दूसरे प्रोग्रामों में मैं आने लगी उसमें सारे सबसे जो प्रोग्राम मेरा था सरगम था जो बहुत मशहूर हुआ और जिससे कुछ लोग मेरे पास आए जिसमें रिहा बनी महरूम है इसी फ्लैट में तो उन्होंने कहा आपा मैंने आपके प्रोग्राम से कई राग सीखे उस पर कोई भी प्रोग्राम यानी वाकई चैलेंजिंग प्रोग्राम मैं यूँ कहती हूँ कि ना तो रेडियो ना टीवी थे से प्रोग्राम तो बहुत हुए बच्चों के देखती थी कि नज्में लिख दी और बच्चों ने गा दी खलील अहमद ने सहेल राणा ने सब ने वो प्रोग्राम किए बच्चों के लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा था शाहिद शाहिद अहमद देलवी साहब का हालाँकि उस जमाने में वो रिसाला साकी साखी भी निकाल रहे थे रेडियो से भी वाबस्ता थे वो तो वो उन्होंने कितने ही लोगों ने उससे राग सीखे जो मैं आज कुछ थोड़ा बहुत भी शदमुद है मुझे गाने की तो सिर्फ उन इनकी मरहूने मन्नत हूँ मैं शाहिद अहमद देलवी साहब तो इस प्रोग्राम ने मुझे बहुत सिखाया वो सरगम ने और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान का कौमी तरहाना है जिसमें आवाज़ है जो ज़्यादातर मेरे इंटरव्यूज़ का हिस्सा बना है उसके बारे हाँ तो तरही वही तरही। वही मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो मेरे हुए हैं वो नहीं उसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम थे जो इतिहादी मौसीक होती थी बंगाली प्रोग्राम उसका उर्दू तर्जुमा उसमें खलील अहमद मौसी जो मशहूर थे खलील अहमद वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे उसमें भी मैंने बहुत हिस्सा लिया इतिहादी मौसी में भी और फिर उसके बाद ये गज़लों के तो कोई शुमारी नहीं था जितनी गज़लें गाई फिर लाहौर रेडियो ने बुलाया पेशावर रेडियो ने पिंडी रेडियो ने हैदराबाद में कोयटा वालों ने दो मरतबा मुझे मतलब एज ए गेस्ट आर्टिस्ट वो बुलाते थे मैं जाती थी प्रोग्राम करती थी वहाँ पर जाती वो और कौमी तरह का बस ये ये एकदम से वो हुआ कि कौमी तराने कई रिकॉर्ड हो चुके थे वैसे मैं बताऊँ आपको फिफ्टी नाइन में 59 इतने बस कौमी तरानी का एक्सप्लेन क्या उन्होंने कहा कि भाई कौमी तराना रिकॉर्ड होना है पहले रेडियो पर कुछ लोकली उन्होंने किए थे गाने वो काफ़ी दिन तक वो भी चलते रहे लेकिन जो मजहरी वो ई एम आई ने किया वहाँ पर तो बस हम लोगों को गाड़ी में रेडी हुई की लेके गए हम लोग तो ज़माने में रिकॉर्डिंग थी मैं थी जो अहमद जी मरूम थे एस बी जॉन भाई थे कौकब जहाँ तनवीर जहाँ शमीम बानो नसीम आपा ये लोग थे मैं एक आपके मैं नाम भी भूल रही हूँ बहरल वो तो इसमें हैं सारे नाम थे तो बस हमारी रिकॉर्डिंग सुबह शुरू हुई थी दस बजे और शाम को तकरीबन चार बजे ख़त्म हुई थी वो क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल चीज़ थी कि उन्होंने तो सबसे पहला मरहला तो मुश्किल उन्होंने तय किया था फिर जालिंदरी साहब ने के धुन पे बोल लिखना उनके लिए भी इंतहाई बहुत से शायरों ने कोशिश की लेकिन कामयाब यही रहे हफीज जानून फिर उसके बाद उसको म्यूज़िक बोलों को हम आहंग करना इंतहाई मुश्किल तरीन चीज़ थी जो सैयद मेहंदी जहीर ने और सब आवाज़ों को यकजा करके और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी बहरहाल वो रिकॉर्ड हो गया वो अब वो अरसा दराज तक तकरीबन चलता रहा आप सुना है कोई दूसरा मेल मेम्बर ने कराया है नया उन्होंने लेकिन वो वो तराना हो था तो उसमें हमारा का बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा बीच बीच में गैप आते रहे तो ज़रा सा वो भी होता था कि इधर से बिठाओ उधर से बिठाओ मेरी आवाज़ के लिए था बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैं जहीर भाई ने कहा तुम प्लीज़ पीछे हो जाओ जाके जाओ वो उसद्रा गुंद खां भी थे हाँ साथ हमारे जो जो इसमें आई नहीं रहा जो जो लोगों ने नाम दिए हैं वो जो बहुत वैसे हँसी थे वो वो भी थे तो उनको भी जरा सा पीछे वो करवाया गया तो वो सब करके तो फिर ये हमारी रिकॉर्डिंग चार बजे के करीब उसके बाद हुई है बड़े ये बहुत ज़्यादा कुछ ना पूछें बहुत काफ़ी यानी इतना अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी भाई कौमी तरह में हिस्सा लेना तो कोई मामूली बात नहीं थी ना बहरहाल वो बहुत बाद में फिर लोग आते रहे इंटरव्यूज़ होते रहे सब होता रहा लेकिन मैं बताऊँ तहदीदी हो गई क्योंकि मेरे वालिद की का इंतकाल हो गया और उसके बाद समझ ली मैंने सम, अर्थ दराजी तक कहूँगी कि मैंने पलट के रेडियो को नहीं देखा इंटरव्यूज़ था जितने भी हुए फिर बाद में जब रेडियो वालों को यहाँ पता चला टीवी वालों को पता चला तो अब पता चला बुढ़ापे में आ, वो हो रही है शहरत जो उस ज़माने में इतना नहीं पता चला था वो, वो लेकिन खुशी जो थी वो तो है कि बेतहाशा वो था तो वक्त लाइव कर रहे थे जब ये हो रहा हाँ हाँ तो ये तो रिकॉर्डिंग थी ना लाइव परफॉर्म तो बहुत किया भाई वो शुरू में जब हमके रिकॉर्डिंग सिस्टम ही नहीं था ये सरगम भी लाइव होता था प्रोग्राम मेरा इतवार को एक बजे होता था ये प्रोग्राम तो रिकॉर्डिंग का सिस्टम तो बाद में शुरू हुआ हमारा लेकिन वो फिर बीच में फिर ये फिर बाद में समझ लें कि चौवन में तकरीबन फिल हाँ कौमी तराने से पहले मैंने गाना गाया था फिल्म में जो मैं गई थी लाहौर फिल्म रूही फिल्म रूही बनी थी डब्ल्यू जैदम ने बनाई थी उस उसमें गाना गाया था मैंने गाने गाने गाए थे पूरी मैं और थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा। मुझे कौमी तराने नहीं नहीं जो आपका यहाँ तो आज... मुझे ये थोड़ा सा माहौल बताएगा कि साउंड स्टूडियो में रेडियो के उस कैसा माहौल नहीं ये ये तो ईएमआई एम आई किया ना अपने स्टूडियो में उनका तो बहुत बड़ा था अच्छा, तो स्टूडियो था बस तो माहौल ये था कि बस एक्साइटमेंट तो ज़ाहरी बहुत ज़्यादा और एक ये एक कौमी सतह पर एक चीज़ हो रही है तो ज़ाहरी तो आदमी खुशी होगा और फिर वो उम्र भी एक तरह खुशी होने वाली थी बहुत ज़्यादा और वो और सब लोग जो थे वो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग थे मेरे साथ जितने भी थे उस्ताद उम्र बंदू खां एस बी भाई थे और अहमद जी ये लोग जो थे बहुत और बड़े प्लेजेंट माहौल था बहुत ज़्यादा बहुत एकदम ये कापरेटिव भी और बहुत ज़्यादा के सब यानी हर शख्स दिलचस्पी ले रहा था सब जो रिकॉर्ड मैं कह रही हूँ ना कि जिन्होंने जो सरबराह थे उन्होंने अब अच्छा तक याद रखा है उन्होंने मुझसे बात की है एक दो साल पहले मेरी हल्पा क्षमता नहीं कराई वही राशिद लतीफ साहब ने ही किया था ये सब रिकॉर्ड ई एम तो आप लोगों ने जब बनने के बाद उस बनने के, के बाद हाँ फिर सुनी तो फिर उन्होंने बड़ा मुबारकबाद मुभार, दी राशिद लतीफ साहब ने सबको वो किया फिर थोड़ा सा उस ज़माने में शमसुद्दीन भट साहब रेडियो में प्रोड्यूसर थे या पता नहीं तो वो हमारे साथ गए थे तो उनका भाई चलो तुम लोग गाना वाना भी गाओ फिर हम लोगों ने फिल्मी गाने वो मैंने भी गाया रुजदी भाई ने भी सब ने अपने, अपने अपने गाने सुनाए बड़ा अच्छा वो रहा महफिल रही और ट्रीट में ट्रीट दी उन्होंने बहुत काफ़ी पुर तकल्लुक और वो फिर उन्होंने मुझे एक रिकॉर्ड भी दिया था मैडम नूरजहाँ का तो आपको और कुछ मतलब जैसे आपको याद हो कि आपने रेडियो पे चौदह अगस्त के लिए कुछ स्पेशल नगमे लिखे हों या गाये नहीं, नहीं, नहीं लिखे तो जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है मैं बताऊँ तो मैंने मिली तरह ने गाए हैं वो वो हैं भी बच्चे भी हैं कुछ बताएगा कि चौदह अगस्त को आप अगर जाके वहाँ पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड करवाया करती थी वो नहीं 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 मतलब उस वक्त ये होता था कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए बस बस जोर ये होता था कि हम अच्छा करें और तो, तो वही अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल की और बहुत खुशी हुई कि उसका लोगों ने वो किया तो आप कुछ हमें बता सकती हैं कि चौदह अगस्त पे आपने जो नगमे रिकॉर्ड करवाए या कुछ गाए या किस तरह का रेडियो के एनवायरनमेंट में कैसा माहौल होता था चौदह अगस्त के दिन बहुत अच्छा होता था माहौल तो वहाँ का काफ़ी अच्छे तक बहुत अच्छा ही रहा और ज़्यादातर हमारे जो थे समझ लें कि यूनिसेठी साहब ने कराए थे मेरे जो नग मेरे जो मिली तराने हैं किस दर्जा दिलफरेब वतन की हैं वादियाँ और वह अपने वतन की शान यही है वो दोनों यूनुस सेठी साहब ने लिखे भी हैं और उन्होंने ही अपनी निगरानी में वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे उस जमाने में वो यूनुस सेठी साहब तो उन्होंने करवाया था वो बहुत उन्होंने इतनी तारीफ की थी बहुत ज़्यादा कहने तुमने बहुत वो अब भी है बच्चे कभी कभी कहीं से जो अगर तोहफी को तो बजाते बजा दे आ, है, मैं नहीं, मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गा सकती थोड़ा सा थोड़ा बना सकता बोला ये तो समाती तशद होगा <laughs> ये तो नहीं, नहीं नहीं ये तो समाती तशद है जो लोगों पे मैं करूं गाना गा के लोग जो चौदह अगस्त के लिए कुछ बना रहे हैं तो नहीं नहीं तो गाना तो बहुत मुश्किल आप पढ़ दें देख में कुछ आपको याद हो कि उस तरह के जो उस टाइम के जो कुछ मशहूर रेडियो से जो गाने आते थे तो अगर आपसे सामने बता दें तो हो किस दर्जा दिल फरेब वतन की हैं वादियाँ ये फूल ये चमन ये सितारे हैं कह कचा किस दर्जा दिल फरेब वतन की हैं वादियाँ पूरा तो है मेरे वो नहीं मुझे यानी और दूसरा ये अपने वतन की शान यही है नजर वतन हो मेरी जान दूसरा ये था नगमा और जो लोगों के थे वो मतलब दूसरे लोगों ने जो गाए थे वो अपनी जान नजर नहीं ये तो लड़ाई का था बहुत से थे बेचताशा मिली न तो बहुत ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा तो मुझे ये अपने ही दो ज़्यादा याद हैं और, और उसमें मैंने जो इसके दूसरे ज़मानों में जो किसी जमाने में वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गवर्नमेंट की बनती थी वो नई किरण के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती थी तो उसमें पश्तो जबान में मुझसे यूनिवर्सिटी ही साहब ने वो मुझे पश्तो ज़बान में एक रेसिटेशन करवाई थी वो वैसे अल्लाह का शुक्र रेडियो पर असल में रेडियो की तबास्ती से मैं बात करूंगी कि रेडियो पर मुझे बहुत तमाम अच्छे मौसीों के साथ गाना गाने का मौ़ा मिला जितने भी रफ़ी गनबी मेहंदी जहीर उस्ताद हुसैन तो मेरी मुझे असल में ज़्यादा जो था ना सिर्फ गाने पे मेरा ज़्यादा वो था रुझान कि मैं लेकिन फिल्म के लिए मैं मैंने बिल्कुल मैंने कर दिया क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी इतनी मेहनत मैं नहीं करती रात को रिकॉर्डिंग होती थी तो मेरी और रात गाने इसी तरह हो गए मेरे रिकॉर्ड वो वो अब बाद में फिर मैंने कहा मैं नहीं, नहीं गाऊँगी फिल्म में हालांकि उस ज़माने में बड़ी ऑफर थी हकीम मुशदा ने ख़ुद बजाते ख़ुद कहा था मुझसे अपने बेटे अनवर कमाल उनके बना रहे थे में लेकिन मैंने मना मैं कर दिया उसको वो कहते एक रेडियो के हवाले से एक मुझे सवाल याद आया कि आपने क्योंकि रेडियो से आपकी वाबस्ती की रही है काफ़ी से तो पाकिस्तान बनने के बाद कभी जो रेडियो पे खिताब हुआ कहते थे कुछ कायद के लियात अली खान के वो वो उम्र मेरी खिताबात की नहीं बताया ना सुने हाँ ना बाद में ना। वो अब सुनती हूँ मैं ना वो जो भी है ना अब दिन भी सुना कायद का वो मुझे याद नहीं है ये था बात मुझे याद नहीं है हाँ अयूब खान साहब की तकरीर मुझे ज़रूर याद है वो वो बारे थोड़ा वो, वो, वो उसके लिए तो मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे वो रहा है जो उन्होंने तकरीर की थी पैंसठ में उससे तो ये हुआ था कि और उसके बाद जो प्रोग्राम हुए तो मैंने देखा एक घर में तो लोग बाकायदा रोते हुए देखा लोगों को जो प्रोग्राम होते थे एक जमीलुद्दीन अली साहब का गनाइया था जो ब्रॉडकास्ट हुआ तो बाद में देख रही हूँ दूल्हा भाई के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं अम्मा बकायदा वो रो रही हैं मैंने कहा ये तो पता चला कि वो एक ऐसा वो था उनकी तकरीर में जो उन्होंने की थी तो सारी कौम को हिला दिया था मैडम नूर जहाँ के जो नगमे थे वै वै, वै तो मैडम नूर जहां तो वैसे भी मेरी आइडियल रही हैं आपने कभी देखा हो हां अरे कभी क्या देखिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ इनकी तस्वीरें तो, तो ये में ये, ये मैं। गहर फशम से तो आप आपकी मैडम नूर के साथ आपा के करीब रहती थी हमारी गार्डन ईस्ट में ना शुरू में वो पांच महीने सिर्फ कराची में रही उस जमाने में मैं जारी है वो ये मेरे चूँकि चाचा जर्नलिस्ट थे ना डेली में तो ये उनके यहाँ थी तो आपा ने उसी उससे अपना मेल जोल निकाल लिया तो फिर मैं आपा के साथ जाती थी और मेरा गाना भी सुन सुनती थी <laughs> आपको याद है कैसी अरेप अरे भाई मैं तो देखती रहती थी ज़्यादा उनको वो उनका गाना भी सुना बल्कि मेरे घर में आके भी आपा के पास आई थी ना तो आपा ने उनसे गाना सुना था मैडम जी और आपको हो जब पे आपने अभी हाँ तो हैं और रेडियो वो, पार हाँ पार तो, तो उस जमाने में तो मेरी उनका वो तो लाहौर में थी ना मैं कराची में थी लेकिन यही है कि उनके नग़मे जो थे वो भाई वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन वो दिन ब दिन ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं अब हालात को देखते हुए नग़मे जो थे वो तो मेरे ख्याल में बल्कि कहा ही गया था कि किसी ने यह कहा था कि पाकिस्तानी तो अपने नगमों की वजह से भी जंग जीती क्योंकि दूसरी तरफ तो ऐसा कोई ना गाने वाला था ना कोई वो करने वाला था जिससे मुकाबला था हमारा वहाँ कोई मैजमरज तो नहीं थी जो इतनी मेहनत करती या कुछ करती <laughs> वो तो वहाँ तक चली गई थी ना बॉर्डर पर गई थी भाई वो गई बहरल मेरी बचपन से आइडियल थी वो मैं और मेरी खुशनसीबी देखें कि भाई वो से मैं बहुत ज़्यादा वो फिर यानी आई भी मेरे भाई के इंतकाल पे भी आई थी वो शिवली भाई तो जंग के दौरान किस तरह का माहौल होता था जब जंग के दौरान तो रेडियो पाकिस्तान जाने का उस जमाने में इतफाक़ में पैंसठ में की बात कर रही हूँ ना तो वो मैंने जॉब मैंने आपको पता है ना वालिद के इंतकाल बाद जॉब वो कर ली थी तो इतना रेडियो पाकिस्तान तो जाना नहीं होता था लेकिन वैसे जो हमारे वो होता था, था ना वो कि फ़ौर सा बचता था अक्सर ये होता था कि मैं घर से ऑफिस जा जाती होती थी गाड़ी में तो सारे तो फ़ौर कान में वो रुई के लिए खाता था कि कान में रुई डाल लेते क्योंकि इतनी आवाज़ें होती थी हमारे यहाँ तो पे बम गिरा था ना तो हमारी घर में दरानी ये हमारा दूसरा घर है हमारा असल घर जो है वो एक यहाँ पर है मेन रोड पर था तो उसमें दरानी पड़ गई थी तो बम गिरा बम जब गए शेरशाह में गिरा था बम तो समझ ली क्या बच्चे जो छोटे थे उनके फ़ौर उनको जल्दी से उनके कानों में ज़रूर दी जाती उन पर सुना है, बड़े ख़राब असर पड़े थे कुछ बच्चों के बहुत सख्त आवाज़ें होती थी उसकी बहुत ये होता था, था होता था कुछ मजहबी लोगों ने अपने ख़त्म कराने शुरू कर दिए थे जैसा कदीमा का, का ख़त्म यानी कुछ माहौल के ये भला टले कुछ मुतफे मत, जगहों पर ख़त्म हुए थे जो लोग करते थे ना मस्जिदों में बाकायदा वो होता था बढ़ जाता था बाकी वो एक अजाब था जो नाज़िल हुआ था एकदम से यहां अल्लाह का शुक्र है कि सरखुदूर है उस जमाने में ये लोग ये। तो आपको अगर कुछ याद हो के आप उस वक्त जब जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आपका वो था या उस तरह से और आ, कुछ आप मिली नगमे कुछ रेडियो के थ्रू आप हाँ रेडियो, रेडियो के ध्यान हुई के के अलावा भी मेरा मेरी वावस्ते की जानता रेडियो की आप बात कर रही है ना तुम्हें कुछ मतलब रेडियो में किसी ज़माने में ये था कि ये जो आप कमर्शियल अब सुनती हैं ना ये इश्तहार जो सुन रही हैं तो वो सब रेडियो में कमर्शियल सर्विस शुरू की थी तो ये कोई नहीं पंपनियाँ नहीं बनाती थी रेडियो बनाता था उसमें हमारे मसूअनवर मेरे भाई बने हुए थे बहुत दिली ताल्लुक़ था उनसे मेरा तो वो ज़माने में स्क्रिप्ट राइटर भी थे मसूअनवर उसके और वो स्टाफ आर्टिस्ट भी थे तो वो उस ज़माने में मुझे इतफाक़ हुआ कि मसूद अनवर लाहौर चले गए फिल्म के गाने वाने लिखने तो चार इश्तहार वो समझ ली कि इश्तहारी वो मुझे लिखने भी पड़े और कंपोज़ भी करने पड़े वो शमसुद्दीन बट साहब ने अल्लाह जाने क्यों वो असल में मसूद अनवर कह के चले गए थे लाहौर कि ये नजमा बहन कर देंगी तो बहरहाल वो चार इश्तहार मैंने मतलब लिखे भी कंपोज भी किए और फिर गवाने भी पड़े लोगों से वो मेरे ऊपर उन्होंने छोड़े थे तीन तो बाकी एक उन्होंने बुक किया था उसमें मसरूराना भी थे जो सिंगर थे तो चार इस्तेहार दो दो घी के इश्तहार थे एक बीटी बूटी था और एक उस ज़माने में सिगरेट की इजाज़त थी इतनी पुरानी बात है सब रेड्यू करते थे इस्तेदात और बल्कि वो तो अनवर के जो अपने जो बनाए हुए थे वो तो अब तक हैं जो लोगों को याद अम्मा तलों में पकाओ वो सब उसी ज़माने के इस्तेहादात हैं सब कौमी तराने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये मतलब अर्शद राजी से तकरीबन इसकी धुन छाघिला साहब ने बनाई थी इब्तः में और ये सालों ये धुन बचती रही उसके बाद एक जब ख्याल आया कि इसमें बोल भी होने चाहिए तो लिहाजा ये हुआ कि इसके बोल लिखने के लिए तमाम जो बैनवामी बल्कि शुरा को बुलाया गया कि वो इसके ऊपर क्योंकि मौसीकी पे मतलब बोल लिखना इंतहाई मुश्किल चीज़ थी ले इस सिलसिले में फिर हफीज़ जालंदरी साहब कामयाब हुए इसमें और उन्होंने फिर इसमें बड़ी मेहनत से बोल लिखे जो मतलब यानी यानी उसमें काबिल नशर करार दिए गए फिर फिर थोड़े अरसे के बाद ये हुआ कि इस पर इसके मतलब धुन धुन में एडजस्ट किया जाए उनको तो गाने के लिए इब्तदा में तो रेडियो पाकिस्तान ने अपने तरीक़े से कुछ लोगों से रिकॉर्ड कराते रहे लेकिन उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई चंद फिर फिर ये ख्याल हुआ कि तमाम जो उस ज़माने के आर्टिस्ट थे उनको बुला के मतलब फिर ई e एम वाई वालों ने पेशकश की कि हम रिकॉर्ड करेंगे उस ज़माने में राशिद लतीफ़ साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर होगा रिकॉर्ड तो उस ज़माने में अहमद उर्दी साहब एस बी जॉन शमीम बानो नसीमा शाहीन कॉकअब जहाँ तनमीर जहाँ और मैं भी क्योंकि मैं वहाँ प्रोग्राम करती थी बहरहाल तो हम सब आर्टिस्टों को एएमआई में ले जाया गया और सैयद मेहदी जही जो उस ज़माने में बड़े काबिल म्यूजिक डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान में तो उनको ये सेलेक्ट किया गया कि वो ये काम मुश्किल काम सर अंजाम दें और वाकई उनके लिए इंतहाई दिक्कत तलब था ये चीज़ और यही हुआ कि सुबह साढ़े दस बजे से लेके शाम को साढ़े चार बजे तक की अनथक मेहनत के में ये ये कौमी तराना रिकॉर्ड हुआ फिर सब ने सुना और फिर उसको मतलब काबिल नशर करार दिया गया उसको फिफ्टी नाइन का जिक्र ये तो उस वक्त ये हुआ ये सारा तो आपके साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कौन कौन मौजूद था कौन, कौन एक तो रिकॉर्डिस्ट तो पता नहीं, नहीं उनके थे ई एम आई वाले तो वो मुझे नहीं मालूम लेकिन जो सरबराह थे राशिद लतीफ साहब वो थे और सैयद मेहंदी जहीर थे और उस ज़माने में स्टेशन डायरेक्टर थे जो हमको इकट्ठा करके लेके गए थे शमसुद्दीन साहब बल्कि स्टेशन डायरेक्टर थे या पता नहीं यानी बहरहाल वही थे इसके मतलब इंचार्ज कौमी तरहानी के वो साथ गए थे फिर बस रिकॉर्डिंग होती है उसका रिकॉर्डिंग के बाद बहुत मतलब अप्रिशिएट किया उन्होंने कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है ये और बहरहाल वो अब तक बज रहा है वही आपके साथ गाने आ, कौमी तराना पढ़ने वाले कौन कौन थे या? वो तुम बताया ने अहमद साहब थे कौकब जहाँ तनवीर जहाँ शमीम बानो नसीमा शाहीन और उस्ताद बुद्धू खां साहब भी थे ये ये लोग थे और कुछ कुछ लोग मैं याद जो डाल रही हूँ अपनी याद पर शायद हुसैन साहब भी थे मतलब नौ दस के करीब लोग थे बस वो थे वो डाल जो उस ज़माने में रेडियो पर सरकर्दा लोग थे मतलब गाने में ज़्यादा प्रोग्राम्स वग़ैरह करते थे वो थे सब ये बता सकती हूँ कि रिकॉर्डिंग करते वक्त किस तरह का जोश जज्बा था क्या माहौल था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत ज़्यादा था क्योंकि कौमी तरह चीज़ ही ऐसी है कि जिससे हमारी यानी हमारे मुल्क की पहचान एक तरह से होती है शुरू ही होता है जो कोई भी तकरीब हो या कुछ हो सरकारी तो शुरू ही कौमी तरह से होती है लिहाजा काबिल फ़्र चीज़ थी उसमें हिस्सा लेना गाना और उस वक्त जज्बा भी था बहुत ज़्यादा सब लोगों को और मुझे तो ज़्यादा ही था क्योंकि मेरी आवाज़ कुछ को सबुन मुनिका के पीछे हटाओ के बहुत तेज़ आवाज़ थी मेरी तो, आ, होने के बाद आपको कैसा लगा रिकॉर्ड होने के बाद तो भाई बहुत जाहिर है कि सबसे जाके जिक्र करते थे भाई ज़माने में मेरे वालिद भी हयात थे तो वो मजाक भी करते थे कहते थे तुमको तो ऐसे ही गवा लिया उन्होंने कौन तराने में वो लेकिन बाकी बहुत अच्छा लगता था बहुत अच्छा लगता था और ये रा, रा, राशिद लतीफ़ साहब ने तो बाद में भी बहुत मेरी मतलब हिम्मत अफजाई की क्योंकि मुआवजा भी नहीं लिया था तो इसमें भी उन्होंने फिर मुझे डिस्क भी प्रेजेंट की रिकॉर्ड मैडम नूरजहाँ की एक डिस्क प्रेजेंट की थी गाने की और अब तक वो बड़ा कभी कभी रबते में रहते हैं बहुत उन्होंने वो कहते थे बड़ा अच्छा तुमने तुम लोगों ने परफॉर्म किया बात सही तो आपका आप सबका आप सब कैसा वो शो जज्बा था जब आपने रिकॉर्डिंग कभी रेडियो पर सुनी वो जज्बा तो अब तक कायम है जब भी कौमी तराना सुनेंगे वो तो जिंदगी रहेगा जब तक जिंदा है वो तो उसकी वो सुन के ही वो रहता है अजीब जब सुनते हैं तरानी को जब होता है नशर होता है या ब्रॉडकास्ट होता है तो वाकई अच्छा लगता है अभी दुआएं निकलती हैं अपने पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला बस सही रखे पाकिस्तान को मर क्या थी उस वक्त जब आप रिकॉर्डिंग भैया मेरी 80 के करीब है तो 59 से ही साम लगाने मेरे खास में 15-20 20 साल के आधा हाँ करीब इतनी थी क्योंकि जब हाँ इतनी ही होगी और आपने रेडियो कब जाना शुरू किया कौन सा रेडियो तो 52 में किया था, था? 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 बारह साल हाँ वो बस वो बुखारी साहब अपने साथ ले गए थे तो रेडियो पर तो मैं जावेद मीर मरूम भी जो मशहूर शख्सियत थे वो हम दोनों साथ ही गए थे पर। तो ये जो तराना हुआ इसकी कुछ, कुछ वो, वो साहब ने की थी जाहिर वो सरबरा थे तो उन्होंने जिन जिनको मुनासिब समझा था उनको लिया था और इसमें कुछ इख्लाफा भी है उस्ताद उम्र बंदू ख़ान की तरफ से वो तो बहुत बड़ी शख्सियत थे कुछ मुझे कुछ इतनी दिन हो गए ना कुछ दिन कि कुछ लोग कहते हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो सिर्फ साथ थे लेकिन बहरहाल वो थे मौजूद उस वक्त आने के वक्त थे अब हम रेगुलर uh, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं या हमने एक स्पेशल हाँ, सेगमेंट के तौर पे नहीं ये तो बहुत जरूरी है होता है भाई उसमें आपने मेरा एक नहीं नहीं जीजी, नहीं जीजी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है स्कैन आपने दिद्व नहीं इसमें भी है हाँ, जो इस्लामाबाद वालों ने किया है ना मेरा सीडी भी है जो इस्लामाबाद वालों ने इसीलिए किया था वो सीडीएस में तो ये रिकॉर्डिंग यहीं कराची में हुई थी हां कराची ईएमआई जो ग्रामफोन कंपनी थी ना उस जमाने में उसमें हुई कितनी देर की ये रिकॉर्डिंग सुबह समझे साढ़े दस से शाम को साढ़े चार पाँच बजे तक हुई और क्या लाइव हुआ या नहीं बस रिकॉर्ड बस रिकॉर्ड होता रहा कुछ बीच में वो था ना आवाज़ों में इख्तलाफा हुए आवाज में इख्तलाफ हुए ना मतलब ये हुआ कि मतलब किसी की ज़्यादा आ रही है किसी की बहुत आ रही है मैं तो सबको फिर काफ़ी मेहनत ये है कि आवाज़ों को एक करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी और मैं सबसे ज़्यादा इसमें क्रेडिट सैद मेदी जहीर को जाता है वो ख़ुद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सैद मेदी जहीर वो तो लिहाजा उन्होंने बहुत करके बहरहाल फिर और हुआ बहुत वाकई अच्छा रिकॉर्ड हुआ वो इसमें किसी ये इनفرادی शख्स का काम नहीं है ये तो इस्तिमाई चीज थी एक जो बहुत अच्छी तरह सरंजाम दी गई सही आप मुझे लास्ट टाइम आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1965 की वॉर का आप मुझे बता रही थी कि आपने अयूब खान की तकरीर सुनी थी अरे जो तो मैं तकरीबन छोड़ चुकी थी ना जब तो मेरे वो रेडियो से वापस तक तो मेरी शायद अहमद दिलवी की ज़िंदगी तक रही जो प्रोग्राम मैंने बताया था वो कर प्रोग्राम करती थी तो उस वक्त ये होता था, था कि वाकई में मैडम को सुन सुन के और में को सुन सुन के बस दुआएं भी होती थी और एक जज्बा ये होता था, था कि हम भी मैं भी काश हिस्सा लेती लेकिन मैं लेकिन तराने बहरहाल उससे पहले मैंने मेरे मिली तराने दो रिकॉर्ड हुए थे इनका भी कुछ अस्से पहले ज़िक्र हो रहा था कहीं वो दो तराने हैं मेरे कौन से दो तराने वो है तराने? वो है किस दर्जा दिलफरेब कोरस ही है लेकिन उसमें मेरा एक अलग भी वो है किस दर्जा दिल फरेब वतन की हैं वादियाँ और एक है अपने वतन की शान यही है नजर करम हो पाकिस्तान तो वो दोनों अभी थोड़े ऐसा पहले वो जिक्र कर रहे थे एक साहब उनके पास हैं वो और रेडियो से बहुत बजे हैं वो दोनों गाने दोनों मिली तराने तो ये दो मिली तराने रिकॉर्ड हुए थे तो ये रेडियो पाकिस्तान कराची में ही रिकॉर्ड हाँ वो वो तो वही एक साहब थे हमारे यहाँ साहब प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे उस जमाने में उन्होंने लिखे भी खुद थे और उस्ताद नत्तू खान साहब से धुन बनवाई थी इसकी और वो मैं कोकब जहाँ और तनवीर जहाँ तीनों ने मिल के गाये ठीक तो आप आ, कुछ हमें बता सकती हैं कि उस वक्त के टाइम पे किस तरह का आ, जोश जज्बा था क्या माहौल था जंग के ज़माने में यही था बस घर में बैठे हुए थे और एक तरह का एक जोश था और वो था और दुआएँ थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह हासिल हो और बस तरानु ने जो तराने जो सुन सुनते गए उससे जो जज्बा पैदा हुआ तो तो ख़ुद ही चले जाएं वहाँ पर लड़ने लगे जाके <laughs> और ये काम तो हमारी मैडम ने अंजाम दिया नूरजहाँ ने कि खुद गई वहाँ पर गाने सुनाए फौजियों को तो इंडिया में किसी ने कहा भी नहीं असल जंग तो पाकिस्तान ने अपने नगमों से जीती उस ज़माने में जो नग़मे थे वो जारी के उनसे अब तक सुनते हैं तो अजीब सी कैफियत होती है वो वतन के शहीदों और वो ए वतन के सजीले जवानों बे मिसाल हैं इनका कोई और कोई मुकाबला भी कोई मुल्क भी यहाँ के कौमी तरहों का मुकाबला कर नहीं सकता जो पाकिस्तान ने ये चीज़ सर अंजाम दी वो इंडिया ने भी माना था जो इंडिया के मतलब लोग आते थे वो कहते थे कि बहुत ही यानी इसमें बहुत बड़ा हाथ है यहाँ की मौसीक आपने हाँ, हाँ मौसीक़ी भी शायद बुरा वक्त आया था <laughs> तो, तो, तो मैं तो मैं मुझे मेरे मैं गई थी वो रेडियो के पे मेरे अजीज़ थे वहाँ उन्होंने रेडियो वालों ने बुलाया था लाहौर रेडियो स्टेशन में उस ज़माने में रेडियो स्टेशन जाती थी ना मैं तो रेडियो पर बुलाया था रे, रेडियो के लिए मैं गई थी तो रेडियो पर सुना होगा मेरे अजीज़ थे वहाँ वो डब्ल्यू ज्यादा अहमद के असिस्टेंट थे तो उन्होंने डब्ल्यू ज्यादा अहमद को दिखाया कि लड़की है हमारी रिश्तेदार वो रेडियो वालों ने उसको बुलाया वह आई हुए आप सुने ज़रा उस जमाने में डब्ल्यू जैर अहमद साहब का ये एक मिशन था कि किसी ये अच्छे घराने की लड़कियां गाना गाएं आकर ख़ानदान की तो बहरहाल उन्होंने शायद मुनासिब समझा मेरा गाना तो उन्होंने रिकॉर्ड करा लिया के रशीद दत्रे साहब में खाते उस ज़माने के अब तो बाद में तो खैर वो बहुत ही उस ज़माने में नई नई चीज़ थी रशीद दत्रे साहब को ने पहले तो मुखालफत ही की कि इसमें तो कुछ भी नहीं आता तो उनका ये तो तुम्हारा काम है कि सिखाओ तुम इसको रिकॉर्डिंग कराओ बाद रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन मैं बहरहाल उसके बाद मैंने नहीं गाया फिर के तो आपने जो गाया वो फिल्म रूही के लिए मैं यकीन जाने मैं भूली हुई थी अभी आपको मैंने एक दिया था ना उसमें उन साहब ने लिख बताएं मुझे वो गाने क्योंकि उस ज़माने में कुछ नौजवान ही का बा अच्छा ज़्यादा मैंने वो ही नहीं है जैसे लोग कौमी तरानी के बाद जो हालत थी ना वो इसके बाद मुझे रूही के बाद कुछ वो कैफियत नहीं थी कि जैसे बहुत बड़ा काम सर अंजाम देखे मैं आई हूँ शौक तो था अब नाम भी था कि भाई फ़िल्म में गाने देने गई हैं और इख्लाफा भी बहुत हुए मेरे वालद से वाहिद थे जो मेरे लिए लड़े थे कि नहीं ये मैं इसको इजाज़त दूंगा फिल्म में गाने की वालदा अगेंस्ट थी मेरी बिल्कुल बहरहाल गाने असल में उसमें पता नहीं मैं छह छह कहती रही लेकिन जब इंटरव्यू मेरा किया किसी ने तो उन्होंने कहा नहीं आपने हाथ गाए थे तो उन्होंने बाकायदा बोल भी लिखे हैं वे शुरू भी फोक सॉन्ग से होता है और ख़त्म भी फोक सॉन्ग पे होता है आठ गाने थे उसमें तो आप बता सकती हैं क्या फोक सॉन्ग था वो था मैं वो उसका भी एक मतलब वो है एक वाक्य ही छोटा सा कि जो रेनू वो थी खुशी डापा ड्रामे में अक्का बुआ के नाम से जो ड्रामे में आई थी पुरानी एक्ट्रेस थी वो का देवी के नाम से आती थी तो डापा हमारा मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी तो फैल उशारपुरी ने लिख भी लिया था तब भी मना ली थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये तो लड़की देहाती है इसमें कोई फ़ोक सॉन्ग रख दो हालांकि उस वक्त रशीदी साहब को बड़ा इतराज़ हुआ कि मैंने मेहनत की है उन्होंने वो गाना पूरा रखवा दिया वो शादी ब्याह का गीत था मैंने रातों कहरवा खूब सुनारी मैंने रातों कहरवा वो रखवा दिया इसी तरह लास्ट का गाना था वो एक वो भी तैयार हुआ था लेकिन उन्होंने वो फोक सॉन्ग वो भी रखवा दिया अरे बादल की अरे तारों की छियाँ अपनी बलमा को मैं जाने न दूँगी और बीच में जितनी गानी उनके तो यकीन जानो मुझे लोग दिलवाते रहे याद मैं बड़ी नसीब हूँ मैं बाप को बताऊँ कि सबसे पहली जो मेरी कदरदान थी वो फ़ुरतल हैदर थी उस ज़माने में ऐनी आपा वो उस ज़माने में यहाँ थी जब रूही रिलीज़ हुई है तो वो कहने लगी लड़की तुम्हें 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 वो अच्छा नहीं लगता तो मैं सोचती थी मैं अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा मुझे ये उन उन्होंने दो तीन गाने फिर बाद में जब आई कहने ये सुना दो मैंने कहा मुझे याद नहीं है कि तुम बड़ बदनसीब हो कि तुम्हें अपने गाने मैंने कहा नहीं मैंने ज़्यादा उससे नहीं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हुए थे शायद इसलिए मेरे जहन से निकल गए फिर उसके बाद रज़ा अली आबदी साहब का अब नाम सुना होगा ब्रॉडकास्टर वो फिर उन्होंने एक गाना खुद वो करके मुझे बताया कि तुमने ये गाना गाया तो इस तरीक़े से रूही के अब तक लोग याद दिलाते रहते हैं मुझे कि मैंने क्या क्या गाया था बहरा लाट गाने थे उसमें पूरे हाँ वो याद है बिल्कुल क्योंकि हीरो तो हीरोइन तो बेचारी मेरे पास ही बैठी रहती थी, थी लिफ्ट मोमेंट की वजह से <laughs> वो शिमी थी बेचारी ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया शादी करने लगी शादी करके चली गई थी वो तो वो शिमी क्योंकि उनको मुंह चलाना होता था ना वो तो ज़रूरी होता ना बैठना तो वो बैठी रहती थी वो और संतोष कुमार से वैसे ही उनके मरासिम थे जिन जिन्होंने मुझे गवाया था मेरे कज़िन अकेल भाई तो वो वैसे ही आते रहते थे बहुत मुश्क आदमी थे बहुत दुआएं वुआएँ देते थे कहना और फिर उन रंग भी हुआ कह ले जा क्यों रही और फिल्म में मैंने कहा नहीं बस मैं अम्मा ने कहा नहीं ये रो रहे रोती है रोज बैठ के अब्बा के लिए अपने लिहाजा चले लिहाजा मैं चली गई फिर वहाँ पे थ्री फिफ्टी फोर की है अच्छा पता नहीं सन के मामले में बहुत कमजोर हूँ शायद तो कहते हैं दीदा दिष्ठा लेकिन असली मुझे याद ही नहीं रहते कोई नहीं। आ, ये तो ये फिफ्टी नाइन लिखा हुआ ना होता तुम्हें तो पता नहीं कौन सा सन बता देती किसी को वो तो आपने उसमें पढ़ा होगा तो उस जमाने में जो आप बताए नहीं है अभी के, के लिए वो साथ बैठी होती नहीं या और अगर वगैरह और भी आ, सभी, सभी खानम भी आती थी अच्छा। वो उसी स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग कई होती थी ना वो भी आती थी आशा पोथले साहबा तो बहुत इंक्रेज भी करती थी जब मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई उन्होंने आके हर बार भी पहनाया था क्योंकि तो अखिल भाई हमारे शरीके कार भी थे डब्ल्यू जैद अहमद के और वो उनके मैनेजर के भी हैसियत थी तो वो ज़्यादा पेमेंट वगैरह वही सब करते थे तो वो बहुत अप्रिशिएट करती थी हालांकि उनकी अपनी बहन भी मेरे साथी आई थी परवीन कौशल प्लेबैक सिंगर वो मेरे साथ मेरे साथी मेरी तकली मेरे खानिया मेरी हम उम्र ही थी वो परवीन कौशल जो थी तो वो भी वो, उसकी मर नहीं थी तो वो भी साथ आती थी बहुत खूबसूरत थी वो बहुत अच्छी लगती थी तो लो, काफ़ी लोग आते थे ये हिमालय वाला उन्होंने तो रूही में शायद किया भी है मैंने फिल्म भी नहीं देखी रूही तो आपने हमें एक तस्वीर दिखाई थी कि मैडम नूर जहां से आप मिली हाँ वो मेरे बहन के यहाँ अक्सर दावत होती थी मेरी बहन के दामाद बुलाते थे तो वो मैडम आई हुई थी वैसे तो मैडम ने मुझे जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी जब देखा था उन्नीस में कुछ अर्सा वो यहाँ रही थी जो मेरी बड़ी बहन का घर गार्डन ईस्ट में तो उनका मिला हुआ था सें तो उस ज़माने में आपा के साथ में जाती थी ना तो कहती भी थी आपा गाना भी मेरा कहती थी इसको शौक़ है तो कहीं सिखवाओ आपा ने कहा नहीं अभी तो ये पढ़ रही है वो करके तो फिर जब बाद में आई काफ़ी अर्से बाद तो पहचान गई कहीं ये वही बहन है ना जो तुम्हारी जो गाना गाती थी उनका हाँ ये वही बहन है इनका अब तो ये मुलाजमत कर दही है रे रेडियो पे साथ काम करने का कर कर नहीं नहीं, नहीं। रेडियो पर तो नहीं, नहीं। रेडियो पर रेडियो पर घर पे अलबत्त लाहौर में मैं जब गई थी ना रुई में तो उनके पास जाती थी मैं मेरी जो तो आइडियल थी ना बचपन से मैंने पहला गाना ही उनका ज़िंदगी में जो कॉपी किया वो मैडम ही का गाना कॉपी किया था कौन सा गाना वो दिया जला के आप बुझाया पता नहीं बड़ी माँ का था कौन सी फिल्म मुझे नहीं फिल्म नहीं आती तो मेरे तो आपके कैसी थी मैडम क्या भाई मुझसे भा, 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 तो बहुत मोहब्बत की उन्होंने और कुछ नसीहतें भी की कुछ के देखो कि कभी किसी कोई अगर कोई किसी को गाना ना भी आता हो कोई तुम्हें अगर सुनाए तो कभी हंसना नहीं बैठ के उसके ऊपर <laughs> तो उस जमाने पता नहीं कोई आता उनके सामने वो मैडम रूपजा के सामने गाने लगी पता नहीं मुझे हँसी आ गई तो कहने लगी देखो बेटा कभी हंसना नहीं किसी के गाने पे <laughs> वो, और वो, वो, वो बहुत वो बहुत वो और माशाल्लाह से उनकी मैंने तो बगैर मेकअप के भी इनको देखा है क्योंकि उन करीब उनका मर मजलिस होती थी तो आप अपने साथ मुझे भी ले जाती थी तो मैंने इनको नहा पढ़ते हुए भी देखा मैडम को वैसे गाना तो आप अक्सर उनसे सुनती थी जब जाती थी तो और वैसे माशाल्लाह इतनी वैसे भी इतनी अच्छी आवाज़ थी उनकी बहुत बहरहाल वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी पाकिस्तान की हकीक़त ये कि लता ने भी माना है उनको तो अपने घरेलू मामला में भी बहुत अच्छी थी वो उस जमाने में बेटा गाने, गाने तुम क्यों तुम जहनी तशद्द भी मुब्तला कर रही हो गाना नहीं गा सकती मैं क्योंकि मेरे ऑपरेशन भी कर हुए थे चाहे हुई थी ना बाद में जब वाकई अब का इंतकाल हुआ ना तो वो मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी दवाएँ मेडिसिन ऐसी दी गई कि आवाज़ में गाने के काबिल आवाज़ नहीं रही मेरी बस होगी यही ये हमारी एक है मेहनत की खाला बल्कि मैंने उनको तैयार भी किया मैंने कहा आपका भी इंतजार किया लगी नहीं बिठिया हम इंटरव्यू अच्छा भूलती इतना है मैं रेडियो पर मेरे साथ उनका उसमें आहध में हाँ मेरे साथ है ना तो मैं उनको चुपके चुपके याद दिलाती हूँ उनको कुछ नहीं याद रहता बेचारी को मुझसे सीनियर है चार पाँच साल वो वो वहाँ से जब बैरिक्स में रेडियो हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान जब शुरू हुआ कराची का तो बैरिक्स से शुरू हुआ था ये इमारत बाद में बनी मैंने इस इमारत में बाद में जाना शुरू किया था वो बै तो बहुत मोहब्बत करती परसों भी आना चाह रही थी क्या लगी नहीं हम चिड़ियाँ नहीं चढ़ सकते हम आपके पास आएंगे बाद में वो खालिश लखनवी उसकी हैं मैंने आपकी सगी खाना है वो, वो भी नौे मरती पड़ती थी रेडियो पर शमी बानो तो सबर थी, अम, थी वो है वो कॉकब जहाँ थन मेरी जहाँ भी थी उनकी लेकिन वो अमेरिका में है अक्सर रेडियो वाले मुझसे पूछते हैं ना कि कहाँ हैं तुम्हारी तो मैंने कहा वो अब वो अमरीका में नैर नूर, नूर ने तो छोड़ ही दिया मेरी तरह गान महनाज का तो इंतकाल हो गया ना नाज ना तो बहुत जवानी में मरी हाँ। तो कभी कुछ हुआ। है? इंस्पिरेशन हुई से मैनाज, से मैनाज नहीं। नहीं। की तो बेहतरीन आवाज़ थी वो नहीं मुझे यानी बाद में जो आवाजें अच्छी लगी हैं वो मैनाज नैर नूर बिल्किस खाना मुझे बहुत ये सब मेरी पसंदीदा आवाजें हाँ, मेहंदी हसन के बारे में भी का भी पूछे ही नहीं मेहंदी हसन के तो गाने मेरे अपने इस मोबाइल में इतने सारे आपको मिलेंगे मेहंदी हसन साहब भी बड़े उनकी भी शफक़त बहुत मैंने वसूल की है बहुत कहते बेटा अच्छा गाती हो लेकिन मेहनत करो आपका आप मुलाकात हुई हाँ हाँ उनसे तो होती थी, थी रेडियो पे आते थे ना मंदिया हाँ। जो लोग रेडियो पर आते दि, थे उनसे तो होती थी लेकिन कभी डोएट नहीं गाया मैंने रुद्री भाई मैं के साथ तो गाया मैंने अक्सर एजबिजान भाई के साथ भी गाया लेकिन हसन साहब के साथ नहीं गाया कभी लेकिन लेकिन ले। गाते सुना हाँ हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनी मैंने तो महफिल महफिलों में भी सुना उनको महफिलों वैसी आवाज़ तो मेरे ख्याल में मर्दों में तो अब बहरहल अब तो बहरहल उनकी आवाज़ में जितनी दर्द और वो था आहिस्तगी और सुकून गाने सुन के सुकून मिलता था कम से कम इंतजार नहीं था गाने में कि आदमी परेशान हो जाए सुन के लेकिन रात भर भी सुनाए तो थकन नहीं हुई जरा सी भी मेरी के गाने में एक खास बात बहुत अच्छा गाते थे और आदमी इंसान भी बहुत अच्छे थे खुश अख्लाक बहुत इनकरेज करने वाले बुरा भी गाओ तो कहते नहीं बहुत अच्छा गाया तुम खान उनको उनको मैंने मतलब ऐसे सुना है रेडियो पर कंसर्ट में उनको उनके साथ वो गाते थे उस्ताद फतेह अली ख़ान साहब उन दोनों को मैंने सुना है बस बट साहब ने मिलाया तो बस उन्होंने ऐसे विश करके चले गए बाहर तो बस मैंने एक मरतबा उनका गाना सुना है और वैसे तो रेडियो पर तो मुस्तकिल अब भी लाइट वाइट नहीं होती तो या रेडियो पर भी अब परसों टी वी पर भी इतना पुराना बज रहा था अम्ताली खां साहब का गा गाना तो वो तो बहुत ये लोग तो वाकई में असास थे पाकिस्तान का देखा जाए तो ये हुए ये इनका असल में क्लासिकल में ज़्यादा नाम आता है ना मेह मेहंदी असन साहब लाइट क्लासिकल और, और अब तो गज़लों का मुझे लग रहा है मैं वाकई ये तो मैं कहना चाहूँगी कि गज़लें तो अब शजर ममनुआ हो के रह गई हैं मेरे ख़्याल में क्योंकि अब ना तो गज़लें हैं हमारा यानी एक तबका अब भी ऐसा है फोर्टी फाइव परसेंट जो गज़लों को पसंद करता है हैं लेकिन गज़लें आप देखें ना वो निशान मिटा दिया और पुरानी गलें भी अब तो नहीं हो रही कि पुरानी गलें ब्रॉडकास्ट हों नशर हों कुछ हो, हो ही नहीं रहा जब पहले मुशायरा ख़त्म होता था और रेडियो पाकिस्तान से वो शुरू हो जाती थी फ़ौर धुनें बनी और ग़लें नशर होना शुरू हो जाती थी हमारे ऐसे लोग जो शायरी को भी मुक़दम समझते हैं मोसी की तरह तो हम लोगों के लिए बड़ी ट्रेजेडी है ये अभी हम सिंगर्स की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में बांग्लादेशी सिंगर्स का भी बहुत बड़ा हाल बहुत है। बड़ा बहुत तो, बड़ा जी तो जब जैसे 1971 में पर बंगलादेश बन गया और यहाँ पे किस तरह का हमें लॉस हुआ देखिए सबसे सबसे बड़ा लॉस तो रूना लैला से हुआ उस जमाने की सबसे बड़ा लॉस तो रूना लैला से हुआ क्योंकि उसने फिल्म में वो मसूनवरी के गाइवेस ने जितने गाने गाए थे फिल्म देखो अभी याद नहीं आएगी बहरहाल वो है कभी झूमे कभी नाचे लहराए खुशी से गाना गाया था और बेशुमार गाने रोना उनकी नज़रों से जो पैगाम मिला ये रूना लैला ने बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उस जमाने में प्लेबैक में डूना लहना का हम चाहें तो बहुत बड़ा उसके बाद मिली नगमों में ये शनाज बेगम सोनी धरती जिए जिए दो गाने गा के उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ थी ये फिर फिदी बेगम भी आती थी वो सीनियर थी लेला अर्जुमन बानो जब आई थी यहाँ तो उन्होंने ये भी मैं अपनी खुशकस्मती समझती हूँ तो उसके ज़माने मेरा प्रोग्राम सरगम नर्स होता था जो ईस्ट पाकिस्तान से भी होता था जो मैंने बताया था शाहिद अहमद दिलवी साहब करते थे उसको वो बहुत इंफरादी प्रोग्राम था उसने सबने क्लासिकल गाने सीखे थे बाकायदा पूरे 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 राग आ गए थे लोगों को तो लैला अर्जुमन बानो जब यहाँ आई तो उन्होंने सबसे पहले फरमाइश की कि वो लड़की जो आती है सरगम में उससे मुझे आप मिलवाएं तो और बहुत बड़ी सिंगर थी वो लैला अर्जुन मेरी आपा की फेवरेट थी वो किसी लैला अर्जुमन बानो जो थी वहाँ की सिंगर तो वो भी यहाँ आई उन और ये फिर बेगम भी आती थी शहनाज बेगम ने तो बहुत अरसे दराज़ क़्याम किया यहाँ पर वो और ये रूना लैला के तो वालिद यहाँ सरकारी मुलाजिम थे इमदाद नाम था उनका रूना लैला की वालदा भी प्रोग्राम करती थी मेरे साथ प्रोग्राम होता था इतिहादी मौसीकी जो खलील अहमद मौसी किया करते थे बेंग बंगला बंगला जबान में फिर उर्दू तर्जुमा में गाती थी बंगला वो गाती थी रूना लैला की वालदा लैला अहमदाद लैला अहमदाद तो इसीलिए इन लड़कियों के नाम के आगे दीना लैला और रूना लेला तो दीना लैला जो थी उन्होंने एक फिल्म में तो शायद दो गाना गाया है मन ने गवाया था उनसे फिर उसके बाद उनकी शादी एक यहीं सिंध में किसी से हो गई थी दीना लैला की तो यहीं क्याम रहा तो इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा बांग्लादेश के आर्टिस्टों का हमारे यहाँ वाकई हमें हमें बड़ा वाकई एक तरह का नुकसान हुआ क्योंकि बंगलादेश में तो सुर फैला हुआ है क्योंकि उनके यहाँ तो इसमें मतलब निसाब में उनके यहाँ तो मौसीक़ी है डांस और मौसी वहाँ पे तो निसाब में थी उस ज़माने में वहाँ का निसाब था कि डांस करना और गाना ज़रूरी है उनके लिए और बड़ी अच्छी आवाज़ें भी थीं और लोग भी बड़े अच्छे थे मोहब्बत करने वाले लोग थे वहाँ पर रहमान साहब थे एक स्टाफ आर्टिस्ट थे वो बहुत अच्छा गाना गाते थे डेबू भट्ट भट्टाचार्य थे वो मोसी खारते उन्होंने भी ऑफर की थी यहाँ कराची में लेकिन उस जमाने में मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं नहीं गा सकी थी तो अब हमें इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइएगा सरगम क्या सरगम प्रोग्राम ऐसा था कि शायद अहमद दिलवी साहब के मैं, मैं सबसे पहले तो उनका बताऊं वो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का तो मेरे ख्याल सभी वाकिफ़ हैं जो पुराने लोग हैं या वो क्योंकि उनकी किताबें थीं मरातुलरूस बिनातलनाश वगैरह ये सब थी और वो उनके ये पोते थे शायद अहमद दिलवी साहब वैसे ये जर्नलिस्ट थे रिसाला साकी भी निकाल लेकिन वो बकौल वो कहते थे मैं बागी हो गया तो मौसीकी का उनको दिल्ली से शौक ऐसा हुआ कि उन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से क्लाकल क्लासिकल सीखा जब कराची आया तो बुखारी साहब से जारी मेरे वालिद की भी बड़ी मतलब दिल्ली से दोस्ती थी तो उन्होंने कहा शायद अहमद रेडियो पर आ जाओ तो इन्होंने ये किया कि ऐसाहमद के नाम से क्लासिकल गाना शुरू किया फिर बाद में कुछ बुखारी साहब ने कुछ और सोचो फिर उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग गाना सीखें तो वो ये होता था कि वो गाना रेडियो पर पहले राग के इब्तः यानी पूरी राग जहाँ से शुरू होता है वो राग के इब्ता कैसे होती है राग जैसे ठाट से शुरू होता है तो कितने वो यानी एक राग को लेके चले हुए तो उसके बाद में ये अपनी नवायत का मेरा पहला और अल्लाह ना करे आखिरी हो लेकिन अब तक तो किसी ने किया नहीं यह हकीकत बता रही हूँ मैं कि किसी ने आज तक ये इस तरीके से नहीं किया कि किसी कोई बैठा हो उसने पूरा राग सीख कर निकला वो हुआ आज लेकिन वो दो किस्सों में होता था एक राग तो उसको इंटरटेनमेंट उन्होंने कर दिया कि जो बड़े उस्ताद के बेटे थे उस्ताद बंदूक खान साहब के उनके बेटे बलंद अकबाल जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे बाद में उनको बुध मियाँ बना दिया उसने और मुझे रट रटा के होता जैसे मैं सिखा रही हूँ तो हम लोग लो नोक झोंक होती रहती थी, थी बुध मियाँ फिर आपने ये किया तो फिर वो दो दोहरा दो दोहरा के पूरा राग याद हो जाता था अब बताइए इस इस तो मेरे पास चूँकि मुझे पता जब चला कि रियाज बरनी एक था मेरे पास आए बहुत स्कॉलर के बेटे थे वो भी तो उन्होंने कहा आपा मैंने आपके प्रोग्राम से इतने सारे राग सीखे हैं उससे क्योंकि मैं वालिद बैठा देते शायद अहमद का प्रोग्राम आ रहा बैठ जाओ तुम्हें गाना आता है तो सुन तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में और इंडिया में मैं हॉस्पिटल गई थी तो एक साहब कहने लगी इधर आओ तुम तुम्हारी आवाज़ सुन के लग रहा है तुम वो तो नहीं हो जो सरगम में बोलती हो मैंने कहा जी कहने लगी हम तो वो प्रोग्राम बहुत सुनते हैं वो प्रोग्राम इतवार को होता था एक बजे ख़बरों के बाद होता था तो उस प्रोग्राम से मुझे वाकई जितनी शोहरत मिली मैं बता रही हूँ कौमी तरह ना काबिल फ़ख्र हैस लेकिन यह एक उसमें इज्तमाही चीज़ थी ना ये एक इनफ़रादी मेरी आवाज़ भी आती थी बोलती भी थी मैं गाती भी थी गा गा के गा गा के बता रही हूँ वो भूले जा रहे हैं जैसे जैज वंती रागे ना वो मुस्तिल जैज वतनी कह रहे हैं उसको अब मैं कह रही हूँ नहीं नहीं भाई जैज वतनी नहीं है जैज वंती है तो गर्ज ये कि वो उससे कितने ही लोगों ने गाना सीखा अब तो राग का तो तस्वर ही नहीं होता अब जितने गाने हो रहे हैं उनमें रागों का कोई सवाल ही नहीं होता होने का कोई राग में गा दे कोई गाना दे तो लिहाजा सरगम जब तक चला बहुत मशहूर रहा तक जब तक वो जब तक वो, फिर वो बीमार हो गए शायद वो बीमार हो गए वो तक ये तकरीबन 60 क्यों तक मुझे वही बात है सन के मामले में फिर मैं वो हो गई फिर मैंने छोड़ दिया ना रेडियो उसके बाद फिर मैंने वो ने जॉइन कर लिया था फार्मास कंपनी क्योंकि वालिद का इंतकाल हो गया था मैंने कहा रेडियो पे भी एम एच आर्टिस्ट थी मैं कोई प्रोफेशनल तो थी नहीं कि उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो कोई कुछ हो तो मैंने कहा यही बेहतर है मेरे लिए मैं जो बात वो कह लिया टू तो थो में एक सवाल मैं पूछना थी कि जैसे 1971 की वॉर हुई हाँ। तो उस जमाने का कुछ उस ज़माने में तो ये हुआ कि तक वो वो हमारे ये शेषा तो हम ये हमारा दूसरा घर है पहले हम लोग यहीं मेन रोड पर जो रोज ब्यूटी पार्लर है इससे मिला हुआ था वो घर हमारा था तो वो उसमें शेषा में जब बम गिरा तो हमारे घर में दरारें पड़ गई तो तो ये होता था जल्दी बच्चे हैं ये एक शमजा की बच्ची जो थी वो छोटी थी तो अरफा शमशा की तो उसकी मैं जल्दी से कान में रुई छुती थी वो करके लग के फिर अपने कानों में क्योंकि लोग हिदायत करते थे कितने लोगों की कानों पे असर हुआ ऐसी आवाजें आती थी जैसे यहाँ पर और फिर कुछ बारह वो तो दिफा हुआ एक तरह से अपना दिफा किया ना हमने लेकिन ये नहीं खौफ ज़्यादा उस ज़माने में हुआ था क्योंकि क़रीब बम गिरे थे हमारे शेर शाह बिल्कुल उस डर से करीब था तो वो बहुत वो था उस ज़माने में और वही पुराने मुझे ये नहीं याद पड़ता कि कोई नया तराना उस ज़माने में शायद मसूर अनवर ने एक लिखा था ना झुकझ जीवे मेरा प्यारा वतन जो सबिया खानम ने भी गाया था वो लेकिन उसको ज़्यादा पता नहीं मंजर यहाँ पे नहीं लाई ये लोग लेकिन वो चूँकि वो मैंने बताया था ना वह से बिल्कुल सगे भाइयों की तरह का मेरा हम लोगों का था आरपा शमशा का मेरा दोनों का तो वो जो लिखता था ना वो मुझे बताते थे मेरी वालदा ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया था क्योंकि मेरे भाई ऐसी पाकिस्तान के खाते तो मरे थे तो वही दो टुकड़े हो गया तो उस माँ का वो भी पढ़ी लिखी खातून थी उस जमाने की फिर वहाँ के वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ही थी बिफोर पार्टी मतलब पसंद करती थी उस पार्टी को लेकिन बहुत बुरी हालत थी सही मानों में कि जो उनका एक जैसे था उसका एक हिस्सा इंसान का अलग हो जाए तो उसका क्या कैफियत होती है आदमी की और जिन लोगों ने अपना सरमाया ही खो दिया हो अपना इकलौता बेटा खो दिया हो हमने इकलौता भाई खो दिया हो इसी पाकिस्तान के लिए उसी का ये हश्र हुआ बाद अल आप तो दुआ ही कर सकते हैं बस एक एक सवाल ये आ, सोच रही थी मैं कि जैसे आ, थोड़ा सा बाद टीवी आ गया फिर 19 सेवेंटी वन में जो ये उसके बाद जैसे मार्शल लॉ लगा फिर जयाल का और उस पर बैन भी लग गया तो रेडियो पे भी इस तरह का कुछ हुआ था कि खबरें इस तरह की नशे नहीं की जाएँ गाने नहीं चलाए जाएं हाँ वो इंडियन सारे बंद कर दिए थे अभी जैसे फिलहाल भी तो बंद किए हुए हैं ना ये तो वो उस जमाने में सारे इंडियन को बस ममनू वो कर दिया था लेकिन फिर भी आमदो रफ्त थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही यहाँ वालों को अब तो इंतहा पसंदी हो गई है ना हर जगह वहाँ भी यहाँ पे भी है बहरहाल थोड़ी बहुत तो लेकिन यही है कि जो चीज़ मतलब इंतहा को पहुँच जाए वो नुकसानीदह होती है ना इंसान के लिए बस वो इं, उनके उनके यहाँ इं, इंतहा पसंदाना रवैया बहुत उसकी शरह बढ़ गई इंडिया में तो यहाँ के लोगों को मना कर दिया उन्होंने कि ना गाने वालों को भी काम करने वाले भी नहीं जा सकते और ख़तरा भी है जो, जो रवैये उनके हैं ख़तरनाक ख़तरनाकने के बाद तो हाल हाँ था था था। याद क्या बस एकदम से ये ऐसी चीज़ें होती थी कि एकदम से हो जाती थी तो कुछ अफरा तफरी का आलम होता था कोई भी तब्दीली हो वो अफरा तफरी का बायस बहुत होती है कोई किसी किस्म की भी हो कि वो तब्दीली अफरा तफरी का बायस होती है तो वही अफरा तफरी की कैफियत थी कि दो टी वी पर दोपट्टे उलवाया गया सबको कि भैया ढक के बैठो वो हुआ। उसके बाद कुछ मजहबी वो बरकरार रखने की कोशिश की गई बहुत ज़्यादा फिर वही बात आ जाती इंतहा पसंदाना रवैया था वो भी तो मेरे गानों में भी ये था उसमें भी ये था सेंसर में भी ज़रा सा वो फ़र्क हुआ कि भाई सेंसर बोर्ड पर बेचारे पे काफ़ी प्रेशर पड़ा नुकसान भी है सेंसर बोर्ड पर बहुत ज़्यादा बहरहाल वो उस पर असर पड़ा कि ये ना न हो ये ना दिखाया जाए ये ना किया जाए फिर वही चीजें बदलती रहती हैं फिर वही आ गया फिर वो खत्म हो गया अब देखें अब क्या होता है आगे अच्छा अह केके दिए जैसे फिर टीवी आया हमारे हां तो आपको अगर याद हो के टीवी आपके घर में पहला टीवी आया हो और किस तरह से रेडियो कि वो इंडस्ट्री ख़त्म होती चली गई की वी वो वो तो बतदरी जब अब तो बिल्कुल ही तकरीबन कभी करीब खत्म के करीब करी, करीब है बहरहाल वो जब टीवी आया ना तो टीवी घर में आने से पहले मैं टीवी पर आई हूँ क्यों कि यह, यहाँ यहाँ पर नुमाइश लगी थी जिसका नाम अब नुमाइश पड़ गया उस ज़माने में ये वो थी पारसी कॉलोनी कहलाती थी नुमाइश का तस्वोर नहीं था यहाँ पर एक नुमाइश लगी तो उसमें ये हुआ कि लोकली लोगों ने अपना जैसे टीवी पर वो टेलीकास्ट किया वो और पार्कों में वो लगा दिए यह हमारा जो पार्क है हमारे पुराने घर के सामने उसमें लोगों ने टीवी पे देखा और वहाँ पे देखा उसने सबसे पहला जो मुझे इनाम मिला है गाने पे तो उस नुमाइश में मिला था मुझे पहला इनाम उसमें वो होता था चार प्रोग्राम होते थे उसके बाद फाइनल होता था उसमें मुझे कप मिला था तो सबसे पहला इनाम तो खैर मुझे मैं आपको बताऊं मिला था जब मैं स्कूल में ही थी ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक वो तो बहुत पुरानी बात है ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कंपटीशन हुआ था कराची में उसमें शहशाह ईरान की तरफ से कप था और पीर अली राजदी साहब ने मुझे दिया था वो कप स्कूल में थी जब जब हुआ था वो मिला लेकिन उससे रेडियो का या उसका कोई अब्बा ने मना कर दिया था कोई को, को, कोई पता ना चले ये वह मेरे वालिद असल में कुछ ऐसे होते हो उन्होंने अपनी भी शहरत नहीं की वो इतने सारे रिसाले निकाले बाद में एडिटरी में नाम भी नहीं होता था पता नहीं वो ये ये नहीं नैरो माइंडेड नहीं, नहीं थे वो बस शहरत से कहते थे ये गुरूर पैदा होता है ये होता है वो होता है बस ये चीज़ें थी तो उन्होंने उस ज़माने में इंटरव्यू के लिए भी आए तो उन्होंने नहीं करने दिया मुझे सबसे पहले तो वो लिहाजा सबसे पहला वो उसका दूसरा कप मुझे इसमें मिला नुमाइश में उस ज़माने में टीवी घर में नहीं आया था वो एक उन्होंने एडवरटाइज़ के तौर पर भी पता नहीं किसने किया था भारत तो जब इनाम थे इसमें थे ये हाँ, सोने का एक सेट था और फ़िलिप्स का रेडियो था तो सलीम शहजाद साहब जो हैं एक सिंगर जो है उनको भी मिला था मुझे भी मिला था हम दोनों को इनाम मिला था उसमें तो बाद में फिर हमारे घर में आ गया जारी बहुत अच्छा लगा एक चीज़ जो भी चीज़ देखे नई चीज़ आती है ना अब देखें मोबाइल था अब लोगों को स्मार्टफोन में मुस्तकिल मसरूफ़ीत हो गई है बल्कि वो वक्त ही नहीं मिलता उससे लोगों को तो लिहाजा हर चीज़ जो नहीं आती है और, और पॉजिटिव भी कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं लिहाजा तो टीवी के आने से रेडियो इंडस्ट्री पर क्या असर बहुत है? बुरा असर है अब तक है कई चीज़ें बंद हो गई हैं भी इतना बड़ा ये नहीं वो हुआ है कि अखबारों में भी खबरें आ रही हैं कि रेडियो का बिल्कुल तनख्वाहें और वो और जो एक दो, दो पूरे डिपार्टमेंट बंद हो गए सेंट्रल सर्विस जो कि वो रखते थे मतलब हमारे रिकॉर्ड जो करती थी ना वो तो वो उनके पास है लाइब्रेरी एक तरह से म्यूज़िक लाइब्रेरी थी वो वहीं से मेरे गाने मुझे मिले ये जितने भी शादी ब्याह के गाने आप इसमें वो करेंगी ना सुनेंगी तो सेंट्रल सर्विस ही ने दिए गाने जी तो वो उसी की वजह से लेकिन अब आके वही है कि जो जो चीज़ रायज हो जाती है मैं बताऊँ आपको वही मतलब आम भी हो जाती है कोई चीज़ जो भी नई चीज़ होती है हर चीज़ का ये दुनिया में यही तो होता आ रहा है, है? टेलीफ़ोन था फिर मोबाइल आया फिर स्मार्टफोन आया इसके बाद दीगरे तब्दीलियाँ होती गई तो आपके ख्याल में टीवी वी आना नहीं लेकिन रेडियो ऐसी चीज़ थी कि इंसान अब देखें मेरे लिए देखें अब मेरा ख़राब हो गया रेडियो यानी मैं सुनती थी बैटरी सेव करके अब लाइट नहीं होती तो मेरे लिए तो अल्लाह की नेमत होता था ना रेडियो और मैं अब भी रेडियो बहुत सुनती हूँ रात को बारह बजे बंद करके मैं रेडियो लेकिन फिर बहरहाल वो काफ़ी जहनी तशद्द का शिकार हो जाती हूँ सुन के बहरहाल लेकिन फिर भी क्या किया जाए <laughs> क्योंकि जो गाने होते हैं वो मेरी <laughs> मेरे हाँ मेरे उसके वो नहीं होते जारी है कि देखिए पॉप सिंगिंग पहले भी थी देखिए नाजिया जहेब ने शुरू किया था लेकिन अपीलिंग थी वो ना कि अच्छी लगी हर वो तब्दीली अच्छी लगती है कि जो अच्छी लगे हैं लेकिन यही नहीं कि मैं बैठ जाऊँ ना मुझे राग का पता हो ना मुझे सुर का पता हो मैं शुरू हो जाऊँ तो ये चीज़ बहरहाल वो का होती है लेकिन फिर भी रेडियो रेडियो है मैं कहती हूँ ज़रूरी है इसका रहना ठीक है उस मेार पे ना हो लेकिन ख़त्म नहीं करना चाहिए बस मैं ये कहती हूँ इसको इससे बड़ी वापस्तगी है ऑल इंडिया रेडियो की मैं आपको बात बता रही हूँ कि अब तो वो लहरों ने भी साथ छोड़ दिया हमारा वो शॉर्ट वेव मीडियम वेव बड़ा इंतजार होता आबादी नहीं आती लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात की कहती हूँ अब तक उर्दू प्रोग्राम होता है वहाँ पे दस से ले कर ग्यारह तक उसमें उन इनका जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ मेरी सबसे पहली फ़ैन राइटर्स में क़रातन हैदर उनका इंटरव्यू उस दिन बजा था पुराना अब बताएँ वो लोग कैसे हैं भाई उर्दू के लिए और उसके लिए अब भी उर्दू में वही काम हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू के लिए और उसी तसलसल से है उनका रेडियो रेडियो की अहमियत टीवी ने कम नहीं की इंडिया में वही अहमियत है जो है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम लोग बहुत जल्दबाज भी हैं और हर चीज़ को जल्दी अपनाने की कोशिश करते हैं तो लिहाजा उसमें कुछ नुकसान भी हैं कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे वो तो चलते रहें आपको अगर याद हो कि एक तो रेडियो पे भी ड्रामे हुआ करते थे और टीवी पर भी ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल तो आपके ख्याल में क्या फ़र्क हुआ उनमें और... फ़र्क तो ये है कि ड्रामे तो अब जहाँ तक मेरे इल्म में है तो ड्रामे तो अब रेडियो से बहुत न होने के बराबर भी नश नशर हो रहे हैं क्योंकि सब लोग तो टीवी पे आ गए हैं ना पहले की बात कर रही हूँ पहले, पहले तो भाई आपको पता कि टी ड्रामा सुने बगैर चैन ही नहीं आता था और मेरी जो छोटी बहन है आरफा शमशा वो भी बड़ी अच्छी ब्रॉडकास्टर थी ड्रामे की भी और इसकी भी मतलब मेज़बानी उसके ये फौजियों का प्रोग्राम वगैरह सब करती थी वो तो लिहाजा वो रेडियो में ड्रामे का जो आलम यानी उस ज़माने में शौक़ था कि सब कुछ जाए ड्रामा ना जाए ये वाद जरिया था ना बस रेडियो टी वी पर, टीवी पर। टीवी तो मैं अब भी देखती हूँ भाई वो भाई बहुत से थे भाई उस तो जमाने में तो भाई अंकल उर्फी परछाइयाँ तो कितनी थी वो एक और भी थी उनके बहुत सारे थे भाई ड्रामे एक थोड़ी था वारिस सबसे पहले वो था जो रेडियो पर वही लाहौर में सड़कें बंद हो जाया करती थी जब वो टेलीकास्ट होता था वहाँ से तो ड्रामे तो क्योंकि ये ड्रामा जो है ना वो ज़रूरी अब तो हो गया जब रेडियो पे ड्रामे नहीं होंगे तो इसके इंडिया के भी मैं तो देखती थी खैर बहाल मैं इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं अब न, सब देखते थे हम ड्रामे अब भी देखते हैं ड्रामे जो भी होते हैं लेकिन मौसीक़ी के प्रोग्राम जो है ना वो न होने के बराबर हैं टीवी पर जो है ना उससे अफसोस होता है सिवाय पीटीवी के और कोई चैनल जो है मौसी का वो नहीं करता सिर्फ पीटीवी टी है जो मौसीकी के अच्छे प्रोग्राम ने सोची था। बहुत क्रिटिकली पोजिशन थी यहाँ कराची में तो बहुत वो और भुट्टो साहब का तो फिर भी उस ज़माने में वो हुआ इन सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ हुआ तो साहब साहबा की वे हुआ क्योंकि जो उस वक्त कोई फसादात इतने नहीं हुए लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि मेरे ये लड़की जो है हमारी मैंने बताया था ना इसकी इनकी शादी थी तो वलीमा कैंसिल हुआ क्योंकि वहीं पे छोटा सा दस्ती बम गिरा था जहाँ वलीमा होने वाला था वो तो खैर चक कैंसिल कर दिया था फिर घर पे ही किया पड़ोस में यहाँ पर तो लिहाजा वो कैफियत काफ़ी खौफनाक थी बहुत कराची में आगे वागे लगी वह हुआ वह हुआ भुटो साहब के ज़माने में तो यही हुआ कि रंगी हुआ जाहिर है कि वो उस ज़माने में बहुत मतलब नई जनरेशन में तो काफ़ी ज़माने में उनका बहुत वो था मकबूलीत थी वो था सब था और पॉलिटिकली असल में सियासी तौर पर मैं ज़्यादा इतना वो भी नहीं होता था कि कौन अब तो फिर भी थोड़ा बहुत वो होता है कि मैं कुछ राय दे देती हूँ लेकिन उस ज़माने में एक तो इतना बड़ा गम खाए बैठे हुए थे सियासत की वजह से कि फिर अम्मा तो हमारी बहुत ही चढ़ती थी कि आपकी मदर में वो थी। हाँ वो डेली में डेली में वो मतलब लिखती भी थी आ, लिखती थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा ये जैसे पब्लिकली इन्वॉल्व नहीं थी सिर्फ राइटिंग में ये था कि वो लिखा करती थी, वो क्या, लिखती आ, थी। हाँ, क्या हाँ 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 वो नहीं वो अफ़साने लिखती थी अच्छा। हाँ वो तो तो हमारी मेरे ख्याल में हंड्रेड ईयर्स बिफोर तो लिखती होंगी ना वालदा मेरी वो दे, जब डेली की बात कर रही हूँ ना मैं बहुत अभी सत्तर साल तो इसी को बना है था कितने साल हो गए पाकिस्तान को तो वो लिखती थी मेरी बड़ी बहन माशा वो भी शादी से पहले बहुत लिखती वो ट्रांसलेट उन्होंने पता नहीं कहाँ से उस जमाने में हिंदी सीखी थी तो वो ज़्यादातर ट्रांसलेट करती थी उर्दू में जो जितने भी औरतों के रिसाले निकलते थे आजफा बश्रा अदीब के नाम से वो लिखती थी हाँ वो था था वो तो मेरे नहीं वो तो स्कॉलर थे मेरे फादर जो थे खाली जर्नलिज़्म ही नहीं वो अकाउंट्स में भी वो था में क़ानून कानून दान भी थे वो और अरबी फारसी उस जमाने में मिला वादी साहब का नाम भी मशहूर है उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे हम असरों में अब्बा के लिए लिखा सिवाए उनके कोई इंग्लिश में कोई कुदरत हासिल नहीं है किसी को सिर्फ साहब ने जो इंग्लिश में इनको दस्तरस हासिल है कि उस जमाने में अब्बा ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन जो किया था तो अंग्रेज़ों ने पढ़ाया था मेरठ कॉलेज में अब्बा को हमारी तो अब्बा तो हमें स्कॉलर ही समझे जाते थे वहाँ पर दिल्ली में क्योंकि हर चीज़ पर वो था आपकी मदर और फादर मिलके कुछ लिखते थे कुछ नहीं मिल मिल के कुछ नहीं करते थे <laughs> अम्मा को बस अब शिवली भाई के इंतकाल के बाद अम्मा बिल्कुल हो गई थी बहुत असर लिया था बेटे के इंतकाल का उन्होंने तो अगर आप हमें अगर आप कंफर्टेबल हैं आराम से अगर आप हमें बता सकती हैं शिवली भाई की स्टोरी जैसे शिवली भाई नाइन्थ क्लास में थे तब ये एक नेशनल गार्ड की मुहिम शुरू हुई काद अजम के जितने वो थे मतलब चाहने वाले या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले या उस जो तस्वुर था उसको मानने वाले पाकिस्तान का तो वो नाइन्थ क्लास में थे जब जब से वो नेशनल गार्ड में तो वो बस वही होता था कि लड़के बैठ गए मुश्किल तमाम मैट्रिक तो माशाल्लाह उन्होंने कर लिया था पास और अबा ने अलीगढ़ से कागजात भी मंगवा लिए थे उनके दाखिले के लेकिन उन्होंने उस पर कान नहीं धरा और वो उसी उसमें लगे रहे जलसा जुलूस लड़के पकाए उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी तो नज़में और नज़में भी वो जो इश्तारंगेज़ वो मतलब जिसमें के मोहब्बत और वो और ये वो नतीजा यही हुआ कि एक मरतबा जुलूस निकलवाया वो मेरे पास मजमूनी मज मदुन, मून दूंगी अब्बा के दोस्त थे सिख सरदार दीवान सिंह मफतू उन्होंने लिखा अब्बा के इतना बात शिबली भाई का जिक्र है कि उन हाथी वगैरह पे जुलूस निकलवा दिया वो किया तो उस ज़माने में अंग्रेज़ जो थे उन्होंने पूरा हिंदुओं का साथ दिया था जो जिसको कहना चाहिए पूरे जेर असर थे वो तो उन्होंने गिरफ़्तार करवा दिया फिर जब पता चला कि बहुत तशद हो रहा है वो रहा है तो फिर वही अब्बा के दोस्तों ने जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने हाथ पैर जोड़ के उन्होंने कहा कि इसको वो करके बी क्लास दिलवाने दिलवाई लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि ये इंडिया में एक रात नहीं यानी दो दिन के बाद इसको आप यहाँ न रखें हम इस पे छोड़ दें इसको बड़ी मुश्किल हुई खाना ले जाने में इसमें उसने बहरहाल वो तो वो पूरी वो है पूरी किताब अब्बा ने लिखी है उस पर हमारे तो बस उसके बाद ये हुआ कि उनको जब वो आए हैदराबाद में थे तो 11 सितंबर को एकदम से आवाज़ लगी कि, कि खाद अजम का इंतकाल हो गया तो मेरे खजा भाई डॉक्टर थे उन्होंने पहले ये कह दिया था तो मेरे थे, आपा को और अम्मा को नहीं बताया था कि ये शिबली ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ज़िंदा रहा तो पाँच महीने रहेगा क्योंकि इसके दिमाग पर ऐसी इन्होंने या तो इंजेक्शन लगाए चोटें जो तकलीफ़ें बता रहा है कि भूल भी रहा है वो भी राय बैकी बैकी तो ये इसकी दिमाग हालत ठीक नहीं तो वो है तो वह हैदराबाद में घर था वहाँ चले गए तो इतफ़ाक़ की बात है मेरे खालिदात भाई पता नहीं कि उनका दिल घबराया वो चले गए सुबह जैसे खाद का सुना ना तो पलंग से जैसे नीचे गिर गए उन्होंने आके देखा उन जल्दी से कराची ले आए कराची में डॉक्टर थे सिविल हॉस्पिटल में तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया मेरे भाई बस उसके बाद ग्यारह सितंबर को तो खादे आजम का वो 18 सितंबर को उनका कोमई में रहे ज़्यादातर लास्ट में होश आया जब अब्बा दिल्ली में थे वो इनकम टैक्स एडवाइज़र थे ये खाने में अबा उस ज़माने में उनके दवा खाने तो वो फ़ौर आए यहाँ तो अब्बा को पहचाना भी लेकिन उसके बाद ही उनका इंतकाल अट्ठारह सितंबर को तो मेरे वालिद ने अपनी किताब में लिखा है सितम्बर का महीना लिखा है वो सितम्बर को तो बहरहाल उनका इंतकाल हो गया उसके बाद से जो भी है सबने कोशिश की कि बहुत उनके मतलब किया जाए बन नहीं मैं अपने बेटे की मौत को कैश थोड़ी करवाऊँगा वो वैसे भी उनकी सरगर्मियों से खुश नहीं थे जो भी क्योंकि उस ज़माने में नुक़ नज़र अलग अलग थे कुछ लोगों के अलग थे कुछ लोगों के अलग थे घर में बहरहाल वो तो वो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बाद में लेकिन लोगों ने अब लिखा जिनको याद आया उन्होंने लिखा कि वो बल्कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि शिबली तो कौम का बेटा था बाद में एक वो अखबार भी पता नहीं हमारे यहाँ से तल्फ हो गए सारे जिन्होंने लिखा था ये लेकिन सरदार दीवान सिंह का एक मज़मून है जो मैं ढूंढूंगी उसमें उन्होंने पूरा किस्सा लिखा है अब्बा के इंतकाल के बाद लिखा है कि इस, इस तरीके से उनके दे थे पर पूरे भाई कह तो रही रहूँ नाइन्थ क्लास में थे वो uh, uh, ट्वेंटी टू ईयर्स के थे जब तो इंतकाल हुआ उनका जल्दी शादी की थी क्या टेंशन डाइवर्ट हो उनकी जबकि uh, वो uh, uh, अब्बा को नहीं वो था लेकिन अम्मा कहती थी नहीं ध्यान बटेगा ये इससे जल्द से जुलूसों से क्योंकि पता नहीं अब्बा का दिल कहता था कि ये अच्छा नहीं होगा ये होने वाला है वो बहुत ही दूर वो थे वैसे काबिल आदमी वो तो कहते थे ये इसके हक़ में अच्छा नहीं है अम्मा से कहते ना तुम्हारे हक़ में अच्छा है ना शिबली के हक़ में अच्छा है दोनों के हक़ में अच्छा नहीं है लेकिन वो हुआ उनका ये बच्चा रिजान हमारा रिज़ान मेरा भतीजा एक उनकी एक ही औलाद थी जब मेरी अम्मी ने पाला फिर उसको भाभी की शादी कर दी छोटी थी वो भी उम्र की भाभी मेरी तो उनकी शादी कर दी थी तो रिजवान मेरा कनाडा में है वो उनका बेटा माशा तो बस उसकी शक्ल में फिर अम्मा को जिंदा रहने की हिम्मत हुई वरना बिल्कुल <laughs> नहीं नहीं भाई शुक्रिया क्या मेरे लिए This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.